वेरी गुड मॉर्निंग. नमस्कार. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? गुड मॉर्निंग. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग कोमल जी, ब्रिजबाला जी, इंदु जी, आंचल जी, सबको नमस्कार. और मुझे बताइए कि How was your last 2 days revision and studies, whatever you were able to do so? Please give me one line, two lines feedback immediately, so that accordingly we can move forward. Obviously, we are moving forward. अपने कुछ विचार बताइए, मुझे व्यक्त कीजिए. इंदु जी, आप बोलिए. May I have attention, please? Yes, sir. हाँ, बताओ क्या हुआ, क्या किया, कुछ हुआ नहीं हुआ? सर, रिवाइज क्या कुछ थोड़ा डाउट्स आए, लेकिन मुझे पूछना था लाइक जैसे ये कॉर्पोरेट इगोइज्म है या फिर लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, और करेंगे या फिर अभी यहीं तक है? बिकॉज़ अगर वो करेंगे तो आई वुडंट आस्क डाउट्स नाउ. देखिए, कुछ तो होंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कुछ टर्म्स हैं. जैसे पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक है, जैसे अब क्वेश्चन आएगा बहुत ब्रॉड, उसमें तो शायद आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि उस वर्ड को मैं यूज करूं कि नहीं करूं, वेदर आई यूज सर्टेन टर्म और नॉट. हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रॉड फ्रेमवर्क लेके चल रहे हैं. बहुत सारे आपके फ्रेंड्स को तो मतलब जितना सिर्फ एक कट पेस्ट होना चाहिए वैसे आइडिया होगा उनको, उनको एक साल पढ़ने के बाद, डेढ़ साल पढ़ने के बाद फिर वो थोड़ा ब्रॉड सोचना शुरू करेंगे. हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि हम सारी ब्रॉडनेस, सारा कॉन्फिडेंस जितना मैक्सिमम हो सकता है जो चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, हम पहले से ही लेके चल रहे हैं. तो आपको शुरू में भारी लगेगा, शुरू में आपको वेट फील होगा, हो सकता है पेनिट्रेट भी ना हो, समझ में ना आए, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करोगे तो ही आपको समझ में आएगा. ये मैंने आपको पहले ही बोला है, मेरा काम आपको कंफर्ट जोन में लेके जाना नहीं है. मेरा काम है कि आज रोलो, आज घिस लो, 2 साल बाद हो सकता है कि तुम बोलोगे यार शायद वो ठीक कह रहा था. अभी हो सकता है आपको लगे पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये हमने तो कभी ऐसे किया ही नहीं. अरे आपने नहीं किया कोई बात नहीं, एग्जाम की डिमांड तो है. तो इसीलिए हम कुछ चीजों को तो लेके चलेंगे, बिल्कुल लेके चलेंगे. दैट इज वाई वी आर डूइंग इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम ए कन्वेंशनल कोचिंग सिस्टम. उसमें क्या होता है, एक बार बता दिया बच्चा सिक्योर हो जाता है, हाँ भैया सब वहीं लिखवा दे, वहीं बता दे, मेरा काम खत्म कर. हम ऐसे नहीं चल रहे, हम ऑर्गेनिक तरीके से चल रहे हैं. सोशियोलॉजी इज एन ऑर्गेनिक सब्जेक्ट. कितना ही जार्गन लिख लो, आंसर नहीं लिख पाओगे. लास्ट में मुझे तुम्हारा लेवल रेस करना है. लेवल रेस करने के लिए उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, छोड़ दो. खाना बना रहे हो, घूम रहे हो, मम्मी से बात कर रहे हो, पापा से बात कर रहे हो, कुछ और देख रहे हो, किसी फैमिली मेंबर, तब भी दिमाग में पीछे आएगा, आना शुरू होगा धीरे धीरे, शब्द जुड़ने शुरू होंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है. तो पॉइंट ये है कहने का कि डाउट नहीं है, वो जो भी आपने पूछा वो डाउट नहीं है कि भाई और बताएंगे क्या इसके बारे में, ये डाउट नहीं होता. डाउट होता है जो कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, जो एक थिंकिंग जनरेट हो रही है कि भाई ओके सोशियोलॉजी इज सच अ डिसिप्लिन, इट इज नॉट समथिंग लाइक यू जस्ट स्टडी एंड जस्ट लीव इट. वो फील आनी शुरू होनी चाहिए कि सोशियोलॉजी एक कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन है, उसमें साइंटिफिक एनालिसिस भी है, वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सब आना चाहिए. वो तो आप लॉजिकल पॉजिटिविज्म गूगल भी करोगे तो आपको उस पर 50 पेज मिल जाएंगे. लॉजिकल पॉजिटिविज्म फिर भी आपने डेफिनेशन दे रखी है, वो मच क्लियर है उससे. बाकी आएंगे, बाकी हमें जितने भी थिंकर्स की हम नाम ले रहे हैं, जो भी आज भी हम नाम बोलेंगे, हम पावर इलीट, आइडियल टाइप, सबको डिटेल में करेंगे. अभी तो हम वहां पहुंचे ही नहीं है. हाँ, वही पूछना था सर कि अगर भाई अगर आगे कराएंगे तो फिर सब कुछ करेंगे. नहीं, जितना मैं करा रहा हूं वो भी अगर तुमने समझ लिया या उसको हजम कर लिया तो अपने आप में ही तुम वो बन जाओगे साबू. तो ऐसा नहीं है, मैं जार्गन नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग बाई जार्गन.
मतलब जार्गन का क्या अर्थ हुआ? जैसे मान लो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या फ्रेंच रिवोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इनलाइटनमेंट की फोर्सेस पे आएगा। मैंने आपको चार बता दिए, मैंने आपको दो ऑथर्स के नाम भी दे दिए, मैंने आपको बता दिया देखो उसने ये कहा उसने ये कहा। तो आपका काम है, जैसे इग्नू है कोई भी बेसिक सोर्स है, आपने उसमें से भी यही चीज देखी, तो जो हमने नहीं लिखा है वो आपने लिख लिया, अपने पास कॉन्सेप्ट लिख लिया, कॉन्सेप्ट कि इस ऑथर ने इसको इस तरीके से बोला है इनलाइटनमेंट को, बस। अरे भाई मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा, दिद्रो ने क्या लिखा, वॉल्टेयर ने क्या लिखा, न्यूटन ने क्या लिखा, ये तो सब जगह है ही है। एग्जाम में ये लिखते नंबर कैसे आ जाएंगे, क्योंकि ये तो कोई भी रट सकता है, इसे तो कोई भी रट लेगा। चार बार आप पांच बार उसी को पढ़ोगे कि न्यूटन ने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने स्पिनिंग व्हील निकाली, इसने स्टीम इंजन निकाला, अरे वो सोशियोलॉजी थोड़ी ना हो गई, वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं है फिलहाल। यूपीएससी में जो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं वो भी ये नहीं आते, बाकी तो भूल जाओ। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि इंदु, आंचल, विजया, ब्रिजबाला, कोमल क्या सोच पा सकते हैं, क्या सोच है उनके पास रटने के साथ साथ? और हिंदुस्तान में कोई नहीं मानता कि वो सोच नहीं सकता, जिसको बोल दो तू रटता है वही तलवार चला देगा दूसरे पे, भले ही पूरी जिंदगी सिर्फ रटा हो। रटने का अर्थ यही होता है कि मेरे बोलते यदि आप उत्तर दे देते हो तो रटा है, क्वेश्चन कुछ भी आए उत्तर वही आएगा, तो यानी रटा है। आप खुद को टेस्ट कर लो, हम तो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मैं आज आपको, आज जैसे मेथोडोलॉजी करेंगे हम समझेंगे मेथोडोलॉजी क्या थी, पूरी नहीं होगी, मतलब होगा लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा आज, ऐसे उससे इंट्रोड्यूस कर दूंगा डिसिप्लिन से, कि आपको पता लग जाएगा कि ओके फाइन ये है भाई साहब ब्रॉड कैनवास। मैं आपको दुनिया में लेके जाता हूं और फिर मैं वापस आपको आपकी दुनिया में छोड़ देता हूं। और मैं फिर से बता देता हूं, दैट इज वाई, ठीक है बाई चांस किसी का लेक्चर मिस हो जाए बात और है, लेकिन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट फिजिकल प्रेजेंस, इट इज अबाउट मेंटल प्रेजेंस, क्योंकि मैं यहां आपको लाइव इलेक्ट्रिक वायर की तरह मैं आपको मौका दे रहा हूं कि देखो, पूछो, बात करो, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है, लोग रिकॉर्ड्स ये वो ये मिल जाए वो मिल जाए, पेपर नहीं निकलता ऐसे, पेपर आपसे ही निकलेगा, वहीं जहां बैठे हो, जहां बैठे हो उसी को जन्नत मानो। मेरे घर में ये नहीं है, मैं यहाँ तैयारी कैसे हो सकती है? अरे भाई सब जगह सब कुछ हो सकता है, आप लेवल को रेज करो रादर देन फाइंडिंग डेफिशिएंसीज इन द सिस्टम। अपने में देखो ना, सामने को मत करो, मेरे पास पेन नहीं था, अरे भाई पेंसिल तो थी, और यदि पेन भी नहीं है पेंसिल भी नहीं है तो आपको पहले क्यों नहीं ध्यान आया, यानी कि जो बात आपको ध्यान आई वो इंपॉर्टेंट थी। आप पढ़ रहे हो, अंदर से आवाज आई, बेटा खाना रेडी हो गया, जी माँ या जी पिताजी, आ रहा, भाग के चले गए, इसका मतलब आप तो तैयार बैठे थे कि कब बोला जाए कि मुझे खाना चाहिए और कब आप भाग के जाओ, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, आप रेज नहीं कर पाओगे अपने आप को। थोड़ी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आंचल ने बोला बिल्कुल हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग, आप उसको पढ़ो और उसके बाद दूसरा लेवल, मैंने ईमेल के लिए बोल दिया है तो आपको एक ईमेल मिल जाएगा, उस ईमेल पे आप आंसर डाल दो, और जो हम कर रहे हैं उसको मैं, इस बात से मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी, हिंदी में समझा रहा हूं इसीलिए कि आप उसको अपने बना दो, अपने फ्लो चार्ट बना दो, जो भी हम जो भी पढ़ रहे हो ना उससे फ्लो चार्ट बना दो अपने, उसका पीडीएफ बना के आप डाल दो अपने नाम से कि सर मैंने ये इतना कर लिया, मुझे देखते ही पता लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है, तो उससे आप साइड साइड में आपका फ्लो चार्ट बनता चलेगा, उस फ्लो चार्ट में ऐड कर दो इग्नू से कहीं से भी कुछ और भी आपको जो दिखता है कि यार, फिर मैं उसमें ही बता दूंगा कि ये ठीक किया गलत किया, आपको ज्यादातर तो रिपीटेशन ही मिलेगा 99%, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जैसे बोला मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को आपके पास लेके आ रहा हूं जो आप शायद अभी नहीं पढ़ सकते या 6 महीने बाद भी नहीं पढ़ सकते। मैं शॉर्टकट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट हैंड नहीं दे रहा हूं, मैं बजाय उसको आपको धक्का दे रहा हूं कि चलो आप भी तालाब में कूदो। अब बात समझे, विजया, ये विजया तो लास्ट टाइम हमारे साथ नहीं थी या थी? विजया जी हेलो,
आप बोलिए प्लीज, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। अच्छा आप ऑफिस में हैं, ओके सो ओके फाइन, तो ठीक है। कोमल जी आपको कुछ कहना है? एक और हमारे साथ थे ना, वो क्या नाम, ब्रिज बालाजी, वो कहाँ गई, अभी तो थी। सर ये और मैं इकट्ठा ले रहे हैं क्लास को। कौन कौन, आप और ब्रिज बालाजी? अच्छा कोई आपको डाउट पूछना है? हाँ सर पूछो। सर अगस्त कॉम्प्टे ने थ्योरी दी थी उसमें ऑर्गेनिक पीरियड और क्रिटिकल पीरियड बताया था। ऑर्गेनिक पीरियड एंड क्रिटिकल पीरियड, हाँ सर उसके बारे में पूछना है, ये क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है, दोबारा पूछिए। सर उन्होंने बताया था कि जैसे हम एक सोशल सिस्टम से दूसरे में जाते हैं तो कॉन्टिन्यू या डायरेक्ट नहीं होता, उसमें दो पीरियड होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक पीरियड एंड क्रिटिकल पीरियड। अब देखो ऑर्गेनिक पीरियड और क्रिटिकल पीरियड, करेक्ट जी। तो देखिए उनका कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए कि वो ये कहते हैं कि जब हम एक पीरियड से एक चीज से दूसरी चीज में जब हमारा ट्रांजिशन होगा सोसाइटी का या किसी एक सिस्टम का, तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं। एक होता है स्मूथ, कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर स्मूथ होगा तो, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज। एक होगा आपका जिसके अंदर अपहेवलिंग आएगी, उथल पथल होगी, जैसे पेंडेमिक का पीरियड है अभी, तो पेंडेमिक का पीरियड जो है वो वैसा नहीं बोल सकते आप, स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है ये। एक इसलिए कहते हैं प्री पेंडेमिक, एक कहते हैं पोस्ट पेंडेमिक। तो कॉम्प्टे का ये कहना था कि कोई भी सोसाइटी, कोई ह्यूमन सोसाइटी जब एक पीरियड से ट्रांजिशन करती है तो उसके अंदर, ये उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी, दैट देयर वुड बी इधर नो चेंज फॉर सम टाइम एंड देन देयर विल बी अ चेंज। तो इसीलिए उन्होंने उसको क्रिटिकल पीरियड और ऑर्गेनिक पीरियड से नाम दिया। ऑर्गेनिक शब्द हमेशा इस बात का परिचायक होगा, इट विल बी यू नो हाइलाइटिंग द फैक्ट दैट कि चीजें जो हैं वो स्मूथ हैं, चीजें जो हैं वो आपको एक सिस्टमिक अप्रोच से दिखाई देती है, ऑर्गेनिज्म जैसे हम कहते हैं वैसे है। तो वो कहना यही चाह रहे थे कि दैट जब हम क्रिटिकली किसी चीज को देखते हैं, जब हम पूरे एक परव्यू को देखेंगे, पूरे प्लेटफॉर्म को देखेंगे, तो इस तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यस सर। और पूछिए। और कोई डाउट, कुछ और पूछना है? नो सर। और पढ़ो, बार बार पढ़ो उसको, जो भी आपके पास चीजें आ रही हैं, और मैं उनको एकदम आपको माइक्रो एलिमेंट्स के फॉर्म में दे रहा हूं, उनको पढ़ो, बार बार पढ़ो, पेशेंस रखो और ध्यान से देखो उसको, पढ़ो अपनी रीडिंग स्पीड, अपनी थिंकिंग स्पीड, और फिर उसके बाद हम राइटिंग पे जाएंगे। जैसा मैंने कहा, आई होप आंचल ने बोला कि क्लास नोट्स सर क्लास से पहले दे दिया करो, बिल्कुल सही बात है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जब हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म हो जाएगी चीज की, स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि जहां पर कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है, कोई चीज है जिसमें बस आपको पढ़ना है और उसको हो गया। अभी लेकिन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी आने से पहले एक तरीके की ब्रेनस्टॉर्मिंग है। तो मैं आपको 50 पेज का पहले क्लास नोट नहीं दे सकता, अभी मैं नहीं दूंगा ऐसे। आप पहले साथ चलो, पहले आप अपना उसमें से निकालो, बल्कि आप अपना क्लास नोट रेडी करो मेरे बोलने के बाद। मतलब मैंने जब कुछ किया, जैसे मैंने कल ब्रेक दिया था, दो दिन बाद आपको फिर ब्रेक दूंगा, आप उसमें से अपना फ्लो चार्ट बना के ब्रेक निकालो, क्योंकि मैं अभी आपको अगर कोई चीज दूंगा तो वो आपको मैकेनिकल मिलेगी, यू नो यू विल ओनली गेट द वर्ड्स और पैराग्राफ्स, लेकिन उसकी जो फुलफिलिंग है, उसको फिल कैसे करना है, वो आपके साथ में नहीं कर सकते। जैसे हम ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स के ऊपर जब आ जाते हैं जिसके अंदर कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, कहने का मतलब है कि लाइक फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक एग्जैक्टली वही है, तब हम ऐसा कर देंगे कि मैं आपको पहले ही पकड़ा दूंगा। मैं पहले क्या दो दो चार चार भी आपको मैं पहले दे दूंगा, लेकिन अभी ना समझ में आए तो आप हैंड रेज करो, मुझे रोको, लेकिन मैं हैंड राइटिंग के हिसाब से भी बोर्ड पे भी कोशिश करूंगा, द वर्ड्स आर मोर क्लियरर, और साथ साथ में आप भी लिखो, और नहीं भी लिख पा रहे हो तो नो इश्यूज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम अपलोडिंग दिस बोर्ड ऑल्सो,
आप इसको देखो और साथ साथ में सोचो, तो फिर आप देखेंगे विद इन वन वीक सेवन क्लासेस, विद इन नेक्स्ट सेवन क्लासेस योर लेवल विल बी मच मोर डिफरेंट देन व्हाट यू आर इवन प्रीवियस टू टेकिंग द सेशंस. नॉट इन सोशियोलॉजी आई एम सेइंग, योर ओवरऑल अप्रोच इन द स्टडीज विल ऑल्सो चेंज, और इनफैक्ट आई शुड से रादर देन चेंज एन अप्रोच इन द स्टडीज विल स्टार्ट बिगनिंग. मैं क्यों मानू कि पहले कोई अप्रोच है या पहले कोई स्ट्रैटेजी है, मैं ऐसा क्यों ना मानू कि एक स्ट्रैटेजी बनने जा रही है. तो इसीलिए बिल्कुल देंगे, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन आई होप आपको मेरा लॉजिक और मेरा कंटेंशन समझ में आया होगा. यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज मुझे थम्स अप. ये वेस्टर्न कल्चर है, वैसे ठेंगा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में कहा जाता है कि भाई व्हेन यू शो लाइक दिस दैट मींस यू एग्री विद मी. और कोई डाउट? तो कोई डाउट नहीं है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं. बात हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी कि लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट, हमने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज लिए कि कैसे करके सोशियोलॉजी डिसिप्लिन जो है वो कितना एक मल्टीफैसेटेड नेट की तरह है. वी डिस्कस्ड. हाँ बोलो इंदु. सर हमने पॉजिटिविज्म में एक इन्फरेंस लिखते थे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फर कर सकते हैं. उसमें एक स्टेटमेंट थी एनी प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज नॉट रिड्यूसिबल टू साइंटिफिक मेथड. इसको मैं उस इन्फरेंस से कनेक्ट नहीं कर पा रही, आप इसको प्लीज इलैबोरेट कर दो सर. दैट इज नॉट एनी प्रोसीड नॉट रिड्यूसिबल टू साइंटिफिक मेथड. देखिए इस शब्द का मतलब ये है कि जो पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म सेज दैट एवरीथिंग इज इन्फर्ड, एक्चुअली नॉट इन्फर्ड, इट शुड बी ऑब्जर्वेबल ऑल्सो. वो ऑब्जर्व होनी चाहिए, वो एकदम बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए. अब अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं जो साइंटिफिक तो होंगी, बट देन एग्जैक्टली यू विल नॉट बी एबल टू, उसको सिर्फ मेथडोलॉजिकल फॉर्म में आप कर पाओगे, आप उसका मेथड बता पाओगे, लेकिन आप जब बात की जाएगी कि इसको एविडेंस फॉर्म में भी सामने प्रस्तुत कीजिए, आप इसको बिल्कुल दिखाइए, तो वो साइंटिफिक तो होगा लेकिन एग्जैक्टली वो पूरी तरह से उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा. बहुत सारी चीजें साइंस के अंदर भी ऐसी हैं जो हम जैसे लॉज ऑफ मोशन और कॉजल फैक्टर्स तो एकदम एग्जैक्टली हो, लेकिन आप हर चीज प्रूफ कर सकते हो क्या? हर चीज तो एकदम प्रूफ नहीं हो सकती. प्रूफ हो सकती है, लेकिन हमारे पास उसका सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स और वैलिड हमारे पास आइडियाज होने चाहिए. तो पॉजिटिविज्म का कहना है कि जो भी पॉजिटिविज्म मेथडोलॉजी का ये मानना है कि वही मानेंगे, सिर्फ एग्जैक्टली मानेंगे सिर्फ वही जो एग्जैक्टली शो हो सकता है. यानी साइंस के अंदर भी वो आगे, साइंस के तभी तो साइंस से अलग कर रहा है अपने आपको, साइंटिफिक तो बोल रहे हैं लेकिन रिग्रेसनेस की बात कर रहा है ना. डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर. मतलब वो कह रहे हैं कि हम पॉजिटिविज्म साइंटिफिक मेथड के थ्रू स्टडी करती है सोशियोलॉजी को, लेकिन मेयरली पॉजिटिविज्म से नहीं कर सकते बिकॉज उसमें सब्जेक्टिव अप्रोच भी होती है. नहीं, पॉजिटिविज्म कहता है कि कोई सब्जेक्टिविटी नहीं, वो तो कहता है कि बिल्कुल साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक, लेकिन साइंस तो हो सकती है सब्जेक्टिविटी. नॉट सब्जेक्टिविटी इन द टर्म दैट यू कैन नॉट एम्पिरिकली प्रूव इट, पर साइंस के अंदर भी तो बहुत सारे नए आयाम, नई चीजें हैं जो थोड़ा सा इधर से उधर हैं, लेकिन जो मेथडोलॉजी है पॉजिटिविज्म की वो नहीं मानती. वो बेस ही है उसका ऐसा, उसका बेस है एकदम मैकेनिकल, जैसे हम साइंस को कहेंगे, तभी तो उसके आगे चीजें निकलेंगी. एक नया डिसिप्लिन को प्रूव करना था, एक नए डिसिप्लिन को इमर्ज करने की बात कर रहे हैं, तभी तो वो कह रहा है भाई कि पहले आपके स्टेजेस हैं. तीन स्टेज बता दिए उसने इसीलिए, पहले थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और फिर कॉन्शियसनेस स्टेज. यानी कि कॉन्शियसनेस स्टेज में आने के बाद वो कह रहा है भाई कोई स्कोप ही नहीं रहा, कॉन्शियसनेस होने के बाद कंप्लीटली साइंटिफिक हो गया, कंप्लीटली साइंटिफिक, कंप्लीटली ऑर्गेनिक, वर्ल्ड में पीस हो गई, वर्ल्ड के अंदर हार्मनी हो गई, लव हो गया. ये तो बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन उस एंगल से देखोगे तो आप साइंस, उस एंगल से वो साइंस को वो कर रहे हैं. आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखोगे तो आपको दिमाग समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. ओके सर, समझ आया? आप सोचते हैं इसके बारे में? हाँ थोड़ा सोचो, बिल्कुल सही कहा, सोचो. देखो बात एक ही हो रही है असल में, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ तो हमारे सामने ही है, बस आपको ऐसे दिमाग घुमा के सोचना है. हाँ, जैसे आज हम कुछ वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अभी,
हम कुछ वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे सोशल फैक्ट्स। फैक्ट तो फैक्ट होता है लेकिन सोशल फैक्ट्स। तो आप चलो, आप थीम के साथ चलो, जहां जहां पे आपको डाउट आए वहां पूछते चलो। और जैसा मैंने बोला, बेस्ट तरीका ये है दैट यू शुड बी एबल टू मेक योर ओन फ्लो चार्ट्स। हेलो, अवेलेबल? एक सेकेंड, am I audible to all of you? Yes sir. Yes sir. हाँ, thank you. कई बार microphone में issue हो जाता है, but then I try my best not to let that happen. तो my point is that you should be able to make flowcharts out of it, और थोड़ा add करो उसमें, ज़्यादा नहीं कि पता चला पूरा एकदम कचरा उठा के कुछ भी सारा लिख दिया, उससे कुछ नहीं होगा। कुछ लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखो, थोड़ा लिखो, उस पर भरोसा रखो, उसको बार बार पढ़ो उसको। धीरे धीरे क्या होगा, पांच पेज के नोट्स से पांच वर्ड के आएंगे, और वो पांच वर्ड 50 पेज में फिर आपके सिर्फ आपके 50 वर्ड होंगे। 50 पेज से 50 वर्ड निकलेंगे, 50 वर्ड से आप फिर जो है आगे बढ़ाओगे तो 150 वर्ड का एक आंसर लिखा जाएगा। यू विल बी एबल टू राइट 150 वर्ड्स आंसर, मे बी प्रॉब्ली आफ्टर रीडिंग पूरा सिलेबस। ये नहीं कि आपने कोई चीज पढ़ी और आंसर आप ही कौनटे बस सारी उसकी जन्म गाथा लिख दी। अरे पूछ नहीं रहा है वो, तो जो आप पढ़ रहे हो उस पर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, गेम उसके आगे शुरू होगा कि आप सोच क्या सकते हो, कैसे कनेक्ट करोगे आंसर में। यूपीएससी इज नॉट सेइंग कि जो सिलेबस होता है सोशियोलॉजी का, उस सिलेबस का कोई भी एलिमेंट आप कहीं पे ले आओ, यूपीएससी मना नहीं कर रहा है। वो तो हम सोचते हैं ये सेक्शन वन के पहले पार्ट का पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है भाई, ये तो यहीं से होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड हम धीरे धीरे सीखेंगे, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, लिख तो कहीं से भी दो, नंबर तभी आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? हाँ, इसीलिए ना ब्रॉड रखो माइंड को एकदम। पहला आंसर लिखने में भी हो सकता है आपको 2 महीने लग जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, लिख कोई भी सकता है, ढंग से कोई नहीं लिख सकता। बचपन से लिखते ही तो आए, और किया क्या है, स्कूल में भी लिखा था, कॉलेज में भी लिखा है, अभी भी बोल रहे हैं भाई नोट्स लिख लो, कब तक। ये भी एक सोशियोलॉजी का वो है फिनोमिना, ये सोशल फैक्ट है। ये नोट्स नहीं मिले क्या, नोट्स दे दे, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सोशियोलॉजिकल फिनोमेना, कुछ होना थोड़ी ना है उससे। दिल को तसल्ली आती है, चैन आता है, मेरे पास सब कुछ है। कितनी सेल होती है बुक्स की, अब तो ऑनलाइन खैर हो गया है, अब डेटा डेटा लोग इकट्ठा करते हैं, इसका पीडीएफ उसका पीडीएफ, पढ़ना वैसे ही है, कैसे कबूतर कैसे खरगोश, कैसे पेपर निकलेगा, नहीं निकलेगा बॉस, आगे आना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू अप्लाई। गलती कोई भी कर सकता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। गलती करने से ना डरिए, ना गलती करने से घबराइए, गलती कीजिए। इतने बड़े बड़े थिंकर्स ने गलती की है, उनके आइडियाज को बाद में रॉन्ग प्रूफ किया गया है, तो क्या उनकी इज्जत कम हो गई? वो कुछ करके गए हैं समाज के लिए, उन्होंने कुछ किया, तो गलती नहीं करोगे, डरोगे भी नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला, उससे डर के आगे बढ़ना है। तो ईमेल यू विल गेट इट, और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। मतलब आप कुछ कुछ लिखोगे, एक असाइनमेंट मैंने आपको दिया ही था सब नेशनलिज्म वाला, जैसे ही आप उसको डालोगे मैं आपको दूसरा डाल दूंगा, फिर हम धीरे धीरे लेवल को उठाएंगे। कोशिश करेंगे हफ्ते में कम से कम 5 या 6 ऐसे आर्टिकल रोज का एक करें, धीरे धीरे आपका लेवल उठेगा। इधर से जितना मैं करा रहा हूं उतना करने के बाद एक एक आपका पिलर मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें कम से कम 300 नंबर चाहिए, 300 नंबर आने चाहिए, ये आ सकते हैं जब आप सिंपल रहोगे। सिंपल रहोगे, वर्बोज, वर्बोज एक शब्द होता है वर्बोज, यानी खूब बड़े बड़े वर्ड्स को यूज करना, पता है नहीं क्या यूज कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। लेकिन एक ही आंसर में जब आप 10 डायमेंशंस लेके आओगे, 10 एरो बनाओगे, कोई छोटा सा इलस्ट्रेशन बनाओगे, तो फिर नेचुरली आपके नंबर बढ़ जाएंगे। इसका इंग्लिश वोकैबुलरी से कोई लेना देना नहीं है, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप कहिए। हिंदी माध्यम में भी जैसे हमारी उस दिन ब्रिजबाला जी से ही बात हुई थी कि आप बस की वर्ड्स को उस हिंदी का उस साथ में कर लीजिए, की वर्ड्स को भी सारा नहीं, सोच अंग्रेजी की रखिए, सोच रखिए तो वो भी होगा, वो कैसे नहीं होगा, दैट विल आल्सो हैपन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड हम बात करते हैं।
तो हम बात करते हैं मेथोडोलॉजी की. यू कैन गिव द हेडिंग मेथोडोलॉजी की होती क्या है, मेथड सोशियोलॉजिकल मेथोडोलॉजी है क्या, व्हाई व्हाट इज दिस, आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसको समझने की या करने की आवश्यकता है, ये क्यों आया, क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. हेलो, ओके, हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर. हाँ, कभी भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि ये कई बार आईटी चीजें ऐसा करती हैं. तो हमारा एक शब्द है इसमें साइंटिफिक क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी. साइंटिफिक भी है और क्वांटिटेटिव भी है. साइंटिफिक क्वांटिटेटिव एक मेथोडोलॉजी हो गई, एक नाम ये हो गया. एक हो गया आपका इंटरप्रिटेटिव, एक ये हो गया जी, इंटरप्रिटेशन निकालना है चीज का. इंटरप्रिटेटिव क्वांटिटेटिव, एक नाम ये हो गया, यानी इंटरप्रिटेशन होगी चीज की. एक हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, यानी एक जगह नंबर की बात हो रही है, ऑन अदर साइड वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड टर्म्स है, ये मेरे टर्म्स नहीं है. साइंटिफिक क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, इंटरप्रिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, देन क्रिटिकल सोशल साइंस. क्रिटिकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल सोशल साइंस मेथोडोलॉजी, ये भी एक मेथड हो गया. और फिर आ जाती है आपकी फेमिनिस्ट, एक आ गया आपका फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी, और लास्ट में आपकी आ गई पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी. तो ये क्या है, सारे टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, साइंटिफिक क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, इंटरप्रिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी, क्रिटिकल सोशल साइंस मेथोडोलॉजी, फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी एंड पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी. अब रिसर्च प्रोसेस है, हम बात किसकी कर रहे हैं, रिसर्च प्रोसेस, क्योंकि मेथोडोलॉजी की बात हो रही है, विदाउट रिसर्च प्रोसेस यू कांट टॉक अबाउट इट. रिसर्च प्रोसेस जो है वो डिटेल्ड होता है, रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो एक तरीके से फैक्ट बेस्ड होता है. रिसर्च प्रोसेस में एक सिस्टमिक अप्रोच होनी चाहिए, इसीलिए सोशियोलॉजी के अंदर हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी और साइंस का रिलेशन है, क्योंकि इसके अंदर भी मेथड है, जैसे साइंस में मेथड है तो यहां पर भी है. इसीलिए सोशियोलॉजी मेथोडोलॉजी में है, सोशियोलॉजी मेथोडोलॉजी एक रिग्रेस प्रोसेस है और उसकी अपनी कुछ वैल्यूज हैं, कुछ आइडियाज हैं, कुछ थॉट्स हैं. और सोचने वाली बात यह है कि बिकॉज इट वॉज बिलीव्ड दैट सोशियोलॉजी इज ऑल्सो ए साइंस, इसीलिए लाइक साइंस इसके अंदर भी कंक्लूजन्स निकलेंगे. कंक्लूजन्स कैसे डिराइव किए जाएंगे, दे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस. ठीक है, एनालिसिस होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, डी आई, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा. डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, सो वेदर यू विल एक्सेप्ट द डेटा और यू विल रिजेक्ट द डेटा. अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो सर्टेन काइंड ऑफ कंक्लूजन्स विल बी ड्रॉन, अगर आप रिजेक्ट करोगे देन सर्टेन काइंड ऑफ कंक्लूजन विल बी ड्रॉन. लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं करोगे आप, तो क्या कहलाएगा वो, गेस वर्क. गेस वर्क है भाई, रैंडम वर्क है, कोई सिस्टम नहीं रहा. ठीक है, इसीलिए डिटेल्ड रिसर्च मेथड की बात की गई, डिटेल्ड रिसर्च मेथड जिसके अंदर डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. डेटा कलेक्शन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा. डेटा कलेक्शन, डेटा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेटा कलेक्शन होगा. इसीलिए जनरल फिलॉसफी, जनरल फिलॉसफी इज ऑल्सो सीन कि उसके अंदर भी कलेक्शन और एनालिसिस होता है डेटा का, और उसके बाद कुछ जनरल प्रिंसिपल्स डिराइव किए जाते हैं. ओके, सो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सोशियोलॉजी शुड एक्सेप्ट सेम मेथड्स एज साइंस और नॉट, क्या वो सेम मेथड को डिराइव कर ले, या कुछ और भी हो सकता है. हाँ, सेम मेथड के अगर साइंस के ले लेती है वेल एंड गुड है, या फिर यह बात मानिए कि कोई पंगा ही नहीं, पर ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा. हम जानते हैं हाउ सोशियोलॉजी स्टार्टेड, इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल पीरियड, फ्रेंच रिवोल्यूशन,
साइंस बेस्ड टाइम पीरियड इनलाइटनमेंट रीजन हम जानते हैं देर वर सोशल चेंजेस पॉलिटिकल चेंजेस कल्चरल चेंजेस इकोनॉमिक चेंजेस ये सारे चेंजेस आए दीज चेंजेस स्टार्टेड एंड ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आइडियाज वर देयर देयर वाज ए काइंड ऑफ ए रिवोल्यूशन इन सोसाइटी सम अंडरकरेंट्स वर गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रोडक्टिविटी इन फैक्ट्रीज इंक्रीज्ड वंस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड देयर वर अदर काइंड ऑफ सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेस तो रोल ऑफ साइंस हो गया एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है तो सोशियोलॉजी को साइंस से हमने यहां पर रिलेट कर दिया ह्यूमन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई लास्ट में सोशियोलॉजी का रोल क्या आया रोल आया सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स नहीं तो कोई फायदा नहीं भाई ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके ये उसका एक करेक्टरिस्टिक आया कि भाई हाँ वो नहीं कर पाएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला लेकिन अब हम कहते हैं साइंस की तरह है लेकिन Studying human behavior is different from studying sciences. अरे साइंस में तो ऑब्जेक्टिविटी है पूरी की पूरी ह्यूमन बिहेवियर को आप कैसे जज करोगे हाउ यू विल एनालाइज एंड हाउ यू विल डिफाइन ह्यूमन बिहेवियर इन कंप्लीट साइंटिफिक मैनर क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्शियसनेस है Consciousness, वो नहीं है बाहर कहीं भी दैट मेक्स इट डायनेमिक दैट मेक्स इट डिफरेंट इसीलिए दो ट्रेडिशन किसके आए मेथोडोलॉजी की हम जब बात कर रहे हैं एक आया आपका साइंटिफिक ट्रेडिशन दूसरा आया आपका साइंटिफिक कह लो या क्वांटिटेटिव कह लो क्वांटिटेटिव दूसरा आया आपका क्वालिटेटिव गुणात्मक क्वालिटेटिव आ गया क्वालिटेटिव आया तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं क्या कीवर्ड हम यूज करते हैं ह्यूमनिस्टिक है ये बाय नेचर क्या है ह्यूमनिस्टिक क्वांटिटेटिव के साथ हम ऐसा नहीं कह सकते क्वालिटेटिव के साथ हम ऐसा कह सकते हैं सो इसके अंदर भी लेकिन बहुत सारे डिविजन्स आए देयर इज दीज आर नॉट ए कम दीज आर नॉट स्टैंडर्ड डिविजन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिविजन है बट देयर आर मेनी थॉट्स इन सोशियोलॉजी जो आप दोनों जगह लेके आओगे यहां भी आएगा सो देयर इज नो रिजिड फ्रेमवर्क बहुत जगह वो रहेगा कंबाइनिंग रहेगी इतना रिजिड डिवीजन नहीं रहेगा रिजिड डिवीजन नहीं कर सकते आप बहुत सारे कहते हैं कि देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मेथड्स कुछ कहते हैं कि नहीं ये दोनों ही गलत है क्वांटिटेटिव भी गलत है क्वालिटेटिव भी गलत है क्रिटिकल सोशल साइंस मेथड होना चाहिए वो मेथडोलॉजी बेस्ट है जो अभी हमने ऊपर कही क्रिटिकल वर्ड क्या है यहाँ पे यानी कि प्रो पुअर ऑप्रेस्ड जो जिनके साथ गलत हुआ है समाज का वो टुकड़ा समाज का वो हिस्सा उसके एस्पेक्ट से होना चाहिए उसको हाईलाइट करो जो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दोज एलिमेंट्स को फोकस करो तो वो क्रिटिकल सोशल वाला हो गया फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्न मेथड्स आ जाते हैं पोस्ट मॉडर्न वो कहते हैं नहीं ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए पोस्ट मॉडर्न मेथड्स जो कहते हैं कि और अलग होना चाहिए उसके अंदर मान लीजिए एक हो गया आपका फेमिनिज्म फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी तो वो कहते हैं नहीं फीमेल पार्ट डिस्टिंक्ट है फीमेल जेन जो फीमेल ग्रुप है उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसके द्वारा की गई कोई भी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी हो जाती है वो सेम चीजों को स्टडी करना चाहती है तो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट दे से कि भाई रिसर्च कैन नेवर डिस्कवर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ They cannot ever discover objective truth. Objectivity नहीं है जबकि ऊपर वाले कह रहे हैं वो positivist और quantitative वाले क्या कह रहे हैं quantitative वाले कह रहे हैं भाई हर चीज objectivity से आ जाएगी quantitative बात कर रहे हैं वो जबकि post modernist कह रहे हैं कि there are different actors, there are different elements or constituents. इसीलिए deconstruction होना चाहिए उन चीजों का आप उनको deconstruct करो analyze करो elements को understand करो फिर करो तो इसीलिए पोस्ट मॉडर्निस्ट आर रिजेक्टिंग दे आर रिजेक्टिंग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और क्रिटिकल रिसर्च मेथड्स क्योंकि वो कहते हैं कि ये आइडिया ही नहीं है कि दैट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कैन बी फाउंड इट कैन यू कैन ओनली अंडरस्टैंड इट आप फाउंड नहीं कर सकते कोई डाउट अब तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए अदरवाइज शो मी योर थम्स अप वी कैन मूव फॉरवर्ड
तो अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स की, कि क्वांटिटेटिव क्या होते हैं। इसमें हम कई चीजों की बात करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये आया कहां से, क्यों हुआ, इसका बेस क्या है। इसका बेस है पॉजिटिविज्म। इसीलिए तो कहते हैं पॉजिटिविज्म एंड उसके फ्यूचर क्रिटिक। तो हम सारी चीजें आज हम उसको देख रहे हैं। पॉजिटिविज्म में क्या हुआ, एक तरीके से हायरार्की है, हायरार्की ऑफ साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। जब हायरार्की देखते हैं साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की, तो टॉप में कौन होगा, सोशियोलॉजी, ऐसा पॉजिटिविस्ट का कहना है। सोशियोलॉजी एट द टॉप। तो सोसाइटी क्यों, क्यों एट द टॉप, बिकॉज सोसाइटी विल बेनिफिट, society will benefit from sociology, it will benefit. So Durkheim, for example, Durkheim ने एक study की, हम उसकी डिटेल में ही बात करेंगे। Durkheim ने study की, because Durkheim को हम positivist मानते हैं, study of suicide, course का part भी है हमारे ये, उन्होंने study of suicide किया। एक ये model है, study of suicide क्या है, model, positivist का model है, सबसे important model है उनका ये, एक case study है, model है। So why? Because study of suicide is following the positivist model. जो methodology और procedures positivist ने जो बोला, जो quantitative उसकी बात की है कि भाई हर चीज आप सिर्फ वो जो दिख रही है उसको ले लीजिए, observe it and identify and analyze it, that will is the only method. वो method हमें study of suicide में दिखता है। So methodological methods of positivism use किए, methodological methods, जो मेथोडोलॉजी है या जो पूरा आइडिया है, लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं किए, क्योंकि उन्होंने, Durkheim इज नॉट फॉलोइंग द ओनली द एग्जैक्ट पॉजिटिविस्ट रूल। जो है क्या है पॉजिटिविस्ट रूल, दैट स्टडी शुड बी कन्फाइंड टू ऑब्जर्वेबल और डायरेक्टली मेजरेबल फिनोमेना। यानी ओनली ऑब्जर्वेबल, जैसा मैंने शुरू में कहा, तभी कंप्लीटली साइंटिफिक है, ऑब्जर्वेबल और या फिर आप कह लीजिए मेजरेबल, कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल, कंप्लीटली मेजरेबल। जब तक ये नहीं होगा, या जब तक सिर्फ ये होगा, only if it is happening, then only it is positivist. इसके beyond आगे पीछे जा रहे हो, that means you are actually not following the positivist model. ऐसा positivist का कहना है। तो अब picture में क्या बात आती है, जैसे मैंने कहा था social facts। अब social facts किसने दिए, Comte, Comte जी ने, August Comte जी ने कहा। क्यों, उन्होंने कहा कि August Comte, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी को वो मानते हैं और उसी को प्रमोट करते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं भाई कि इट शुड बी कन्फाइंड टू कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कन्फाइंड टू कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन विच कैन बी ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व्ड एंड क्लासिफाइड। कन्फाइन कर रहे हैं वो, यानी बस भाई यहीं तक, जो आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हो और क्लासिफाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या मिस कर रहे हैं वो, अगर वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन, इट इज गोइंग ओनली टिल ऑब्जर्वेबल एंड ओनली यू नो विच इज मेजरेबल, तो व्हाट Comte इज मिसिंग, Comte इज मिसिंग इमोशंस, फीलिंग। सो यानी नो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं वो, एक्सटर्नल चीजों को दे रहे हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस को दे रहे हैं, इंटरनल को तो दे ही नहीं रहे वो, इंटरनल जो भी है उसको मान ही नहीं रहे। तो Durkheim ने क्या बोला इस चीज को, कि नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं होना चाहिए। Durkheim ने बोला होना चाहिए, इट शुड बी ऑब्जर्वेबल मेजरेबल, बट इट शुड बी ऑब्जर्वेबल मेजरेबल नॉट टू दैट, इट शुड बी ऑब्जर्वेबल मेजरेबल टू सोशल फैक्ट्स। इसलिए Durkheim ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, सोशल फैक्ट्स का, कि सोशल फैक्ट्स तक कन्फाइन होना चाहिए। क्यों, ही सेड सोशल फैक्ट्स को आप थिंग कंसिडर करो, कंसिडर देम एज थिंग्स। थिंग्स क्या है, मैटर, और मैटर क्या है, नेचर, और नेचर क्या है, साइंटिफिक, उसका एक कॉज है। तो उन्होंने कहा सोशल फैक्ट्स उनको कंसिडर करो। सोशल फैक्ट्स मतलब क्या हुए, सोशल फैक्ट्स मींस बिलीफ। सोशल फैक्ट क्या हुआ, बिलीफ, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल बट ऑफ द कलेक्टिव सोसाइटी। कलेक्टिव ग्रुप के बिलीफ क्या है, कलेक्टिव सोसाइटी के बिलीफ क्या है, that what he, it is not talking about individuals, not, they are not directly measurable. Beliefs, customs, institutions, they are not directly measurable, but they confine, you know, they constrain human behavior, they constrain wo human behavior ke upar ek restriction, ek lagam lagate hain, ek uniformity leke aata hai wo,
यानी कि ऑब्जेक्ट्स हो गए, सोशल फैक्ट्स क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स हो गए, इवेंट्स हो गए, और जो भी प्रोसेसेस हैं वर्ल्ड में चल रहे हैं, जो दे आर ऑल पार्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स, इफ दे आर नॉट ऑफ, इफ दे आर नॉट जस्ट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल एट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, इट इज ऑफ अ ग्रुप. इसका मतलब he is including also those things which cannot be directly measured. अभी तक तो ऐसा बात थी, we were saying only directly to be measured, पर तो आप directly measure नहीं कर सकते. So member of society are guided by collective beliefs, and those collective beliefs, values, laws, they are all social facts. It become a social fact. Social facts make individual behave in a certain ways. इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ भाई, कोरोना आया, सर्टेन चीजें आई, लॉकडाउन टर्म आई, लॉकडाउन, या फिर आया आप घर में रहेंगे, क्वारंटाइन आया, क्वारंटाइन, लॉकडाउन, ये क्या है आज की डेट में, सोशल फैक्ट्स. क्योंकि इनकी वजह से इट वॉज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, होल ग्रुप, होल सोसाइटी, होल सिस्टम रिस्पॉन्डेड टू इट, एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन आवर बिहेवियर चेंज इन टू ए सर्टेन वे, वी वर फोर्स टू रिएक्ट इन ए सर्टेन वे, वी वर फोर्स टू एक्ट इन ए सर्टेन मैनर. देयरफॉर इसके पीछे क्या है, लॉजिक है, लॉजिक है, मेथड है. हमारी रिंगटोन क्या बन गई, घर पर ही रहिए, सावधान रहिए, दिस बिकेम ए सोशल फैक्ट. सो डर्खाइम फॉलोड कॉम्टे, लॉजिक्स एंड मेथड्स ही यूज्ड, बट ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ फ्रॉम देम, इसीलिए सोशल फैक्ट आ गया. नाउ आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल फैक्ट. हम बार बार बाद में भी इसकी जब हम बात करेंगे, इट विल कम, देन वी विल टॉक अबाउट इट, बट देन आई हैव गिवन यू अ ब्रॉड ओवरव्यू अबाउट इट. देन काम बात आती है दूसरी, एक तो बात हो गई हमने फैक्ट की बात, दूसरा आता है स्टेटिस्टिकल डेटा. क्या है स्टेटिस्टिकल डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेथोडोलॉजी का. यानी ये पॉसिबल करता है, इट इज हेल्पिंग इन क्लासिफिकेशन, डेटा हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन, it helps in making things move. For example, it helps in classification, classify karne mein help karta hai in an objective manner, you know, yani set of observable social facts, ye aate hain isse. सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल सोशल फैक्ट्स आ गए, ठीक है. क्यों, ये भी एक टाइप का डेटा है, ये भी एक टाइप का स्टैटिस्टिक्स है. एंड डर्खाइम ने क्या स्टडी किया, इसीलिए यहां पर सुसाइड रेट, जब उन्होंने सुसाइड रेट स्टडी किया, देन ही फाउंड देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स, different religious groups, different countries. He found that things are different, things are not same, and that is why we are saying ki ye ek tarike se important unhone wo idea nikala. Abhi hum iske bare mein aur detail mein baat karenge. Teesre stage pe kya leke aate, dusre pe hum leke aage statistical data, teesre pe leke aate hum correlation. Kya hoga uska correlation, yani between, correlation between social facts. Different social facts are there. So how to correlate between them? उनके बीच में एक तरीके का समीकरण कैसे बनाया जाए, एक तरीके में उनके अंदर एक सामंजस्यता कैसे प्रस्तुत की जाए, कैसे होगा, इसके आइडिया क्या है. यानी what is the correlationship? Correlationship is that when two or more than two things are found together, एक साथ मिलती हैं, तो correlation हो जाता है. इससे पता चलता है उस relationship का strength क्या है. What is the strength of that relationship? For example, जब डर्खाइम ने स्टडी किया तो ही फाउंड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोटेस्टेंटिज्म और सुसाइड रेट. कि भाई प्रोटेस्टेंट हैं तो ज्यादा सुसाइड है, एक उन्होंने सोशल फैक्ट पे ये पाया, उन्होंने कोरिलेशन किया. ये थर्ड स्टेज हो गई. फोर्थ स्टेज यानी हम अगर बात करें तो कॉज क्या है, कॉजेशन, किसी चीज की शुरुआत जो हम कर रहे हैं, किसी चीज का जो रीजन क्या है, सर्च क्या, सर्च फॉर कॉजल कनेक्शंस क्या है, मतलब बेसिकली सोशल फैक्ट्स के जो कोरिलेशन के कॉजेस क्या हैं.
कनेक्शंस कैसे दिखाओगे आपकी भाई कनेक्शन है तभी आपने कॉज को प्रूव किया. सो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट वो क्या कहते हैं कि वन में इन्फ्लुएंस अदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन देयर मस्ट बी डेटा, उसके बिना आप एनालिसिस नहीं कर सकते. यू नो विदाउट एनालिसिस ऑफ डेटा नथिंग कैन बी सेड. डेटा का एनालिसिस होना चाहिए, देयर कैन बी कनेक्शन, इट शुड बी प्रूव्ड होना चाहिए. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दिया जैसे वर्किंग क्लास या लोअर क्लास कह लीजिए, उसका वर्किंग क्लास का मतलब है लेबर क्लास और क्राइम 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 रेट का एक कन्विक्शन ले लीजिए, क्राइम कन्विक्शन. अरे भाई इसी क्लास के लोग ज्यादा क्राइम करते हैं, इसी क्लास के लोग ज्यादा क्राइम करते हैं. मल्टन डिड दैट स्टडी, उन्होंने कहा कि वर्किंग क्लास माइट कॉज पीपल टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, सो दे विल बी यू नो व्हाट आई शुड से, दे विल एक्ट एज क्रिमिनल्स. ये आप कैसे कह सकते हो भाई, क्रिमिनल तो सभी क्लासेस के हो सकते हैं, अपर क्लास भी. अपर क्या 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 सोशल एनालिसिस है, क्या सोशल एविडेंस है कि वर्किंग क्लास ही ज्यादा क्राइम करेगा या उनका कन्विक्शन ज्यादा है? आप बात सोचिए कि भाई वही क्यों पकड़े जाएंगे, वही क्यों क्राइम ज्यादा कर रहे हैं, कहीं उल्टा तो नहीं है कि वो कर सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं. एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज प्रोन टू क्राइम बट द वर्किंग क्लास इज मोर कन्विक्टेड बिकॉज उन्हीं को पकड़ लिया जाता है, वो सोशली डाउनवर्ड है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास मौका नहीं है, इसीलिए उन्हीं को पकड़ा जाएगा, कन्विक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए आप कह दो कि वर्किंग क्लास चोर करता है, ये साले चोर है, चोरी ऐसे की जाती है. यू नो सच काइंड ऑफ सोशल लैंग्वेज विल बी यूज्ड फॉर सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी कि भाई अगर ट्रांसजेंडर हैं तो भीख ही मांगेंगे, ट्रांसजेंडर हैं वो तो रेड लाइट्स के ऊपर यू नो रेड लाइट के ऊपर जो है वो आपकी गाड़ी को रोक के या बस को रोक के या स्कूटर को रोक के आपसे पैसे ही मांगेंगे, या उल्टा है स्टडी कि भाई उनके पास कुछ उनको दिया ही नहीं गया, उनको ना स्टडी दी गई, ना उनको रहने को दिया गया, ना उनको सोशल सिक्योरिटी दी गई, ना सोसाइटी ने उनको कोई स्थान दिया. सो वेदर इट फोर्स देम टू बिकम लाइक दैट, क्या है कारण, यू नो अदर वे राउंड तो नहीं है, तो ऐसा करके आपको सोचना पड़ेगा. तो कोई और कोरिलेशन तो नहीं है, कोई और, जैसा अभी मैंने दो एग्जांपल दिया दूसरा भी, कोई और कोरिलेशन तो नहीं है, कोई स्पूरियस यानी नकली, स्पूरियस दारू जैसे हम कहते हैं, स्पूरियस लीकर, नकली इलिसिटली हम कहते हैं कि कई बार लीकर में हमने जैसे पाया अभी भी जो फेक अल्कोहल होती है उसकी वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो वैसे ही कोई इनडायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं है जिसको पॉजिटिविस्ट मिस कर रहे हैं. पॉजिटिविस्ट तो कह रहे हैं, पॉजिटिविस्ट का कहना है भाई रेड लाइट आएगी, रेड लाइट का मतलब ये होता है रेड लाइट आपने देखी आपने गाड़ी रोक दी, बात खत्म. लेकिन तब धीरे धीरे जब सोशियोलॉजी एडवांस हो रही है तो देन क्वेश्चंस वर आस्क्ड, आइडियाज वर रेज कि नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. अब वर्किंग क्लास है तो जेंडर तो रीजन नहीं है, जेंडर कि वर्किंग क्लास जेंडर में मेल फीमेल दोनों आएंगे, सो बोथ आर इधर प्रोन टू क्राइम वर्किंग क्लास में, या उसमें भी कोई एक वो हो सकता है कि भाई आप मेल और फीमेल दोनों के आप वो लेते हो, दोनों के आपने डेटा लिया, दोनों की आपने स्टडी की, तब आपने पाया कि मेल आर मोर प्रोन, वर्किंग क्लास मेल आर मोर प्रोन बिकॉज टाइप ऑफ वर्क दे आर डूइंग, टाइप ऑफ मैनुअल वर्क दे आर डूइंग, पैसे नहीं मिल रहे, या सोशली एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां पे ज्यादा है, फीमेल के साथ ऐसा नहीं हो रहा. या फिर एक और बात मानिए, रोल ऑफ पुलिस, पुलिस का रोल क्या है, पुलिस ने कहीं अपने डेटा को वो करने के लिए दैट फाइन आसान है हम तो बस इनके ऊपर डाल देंगे, बात खत्म. सो कितने सारी पॉसिबिलिटीज निकल के आ गई सेम ही चीज की. सो दैट इज व्हाट पॉजिटिविस्ट्स वर ट्राइंग टू प्रूव थ्रू दिस मेथोडोलॉजी की भाई एक फैक्टर ये. एक और पॉइंट आता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये भी एक की टर्म है मल्टीवेरिएट एनालिसिस. इसमें क्या करोगे आप, ये डायरेक्ट कोरिलेशनशिप फाइंड करने में हेल्प करेगा, डायरेक्ट कोरिलेशनशिप कि हाँ भाई डायरेक्टली आप प्रूव कर पाए. कैसे, क्यों, कैसे करेगा, जैसे आपने बताया एक तो है पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी सारे वेरिएबल्स को वो इन्फ्लुएंस करता है, वो सब क्या हो गए, यानी पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कॉजिंग एजेंट, ये कॉज करेगा, और बाकी सारे क्या हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल बन गए. So, independent variable is the causing factor, dependent variable पे affect हो रहा है. एक factor होगा जो cause कर रहा है, बाकी सारे factor उससे react कर रहे हैं. So, independent variable मान लो आपने gender मान लिया इसी case में, working class crime के case में. So, gender में भी मैंने क्या कहा, working class ले लो,
वर्किंग क्लास में भी मेल और फीमेल ले लो, तब आपको पता चलेगा भाई फीमेल तो नहीं हो रही, मेल का आ रहा है ये तो. सो यू नो अ डिफरेंट डेटा इमर्जेस. सुसाइड का जैसे एग्जांपल वी आर टेकिंग, वी विल स्टडी इट. तो ये हो गया मल्टीवेरिएट एनालिसिस, उनका फिफ्थ पॉइंट हो गया पॉजिटिव. इसका फिर उन्होंने प्रूव क्या करना था इन सारी चीजों के साथ. सिक्स पॉइंट उनका जो हाईएस्ट था, लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. उन्होंने कहा भाई ले हमने निकाल दिया, ये पांचों पॉइंट आप पांचों मेथड फॉलो, पांचों स्टेजेस फॉलो करो, पांच मेथड आप फॉलो करो, 1 2 3 4 5. तो सिक्स मेथड आएगा कि मल्टीवेरिएंट एनालिसिस कॉजल कनेक्शंस को आइडेंटिफाई कर देता है, एस्टैब्लिश कर देता है, और एस्टैब्लिश करते ही आपने प्रूव कर दिया लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आ गया. लीजिए भाई साहब ये लगाइए थ्योरी, ये मेथड लगाइए, और आप कहिए कूद कर कि देखो ह्यूमन बीइंग ने ये इस कारण से किया. जैसे न्यूटन का थ्री लॉज ऑफ मोशन है, तो आप फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए लगा सकते हो उसको. इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपके डर्खाइम ने भी और कॉम्टे ने भी, रियल लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैन बी अचीव्ड. ये उन्होंने करके प्रूव कर दिया. कैसे प्रूव किया, जैसा अभी हमने बताया. फॉर एग्जांपल डर्खाइम ने बाकी भी स्टडी की, जैसे इकोनॉमिक बूम, जब जब इकोनॉमिक बूम आएगा या जब जब लो आएगा तो सुसाइड रेट बढ़ गया. और कॉम्टे ने तो थ्री स्टेजेस दिए ही थे, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट इट, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और तीसरा पॉजिटिविस्ट पॉजिटिव स्टेज. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को इन्होंने फोकस किया, स्टिमुलाई को इन्होंने फोकस किया, कॉन्शियसनेस जो इनसाइड जो हम बात कर रहे थे जो ऑब्जर्वेबल नहीं है उसको उन्होंने छोड़ दिया. सो इनकी मेथडोलॉजी क्या हुई, इंडक्टिव शब्द होता है, इंडक्टिव बहुत ही कॉमन शब्द है, इंडक्टिव मेथडोलॉजी होगी ना, आपने इंड्यूस इंडक्टिव तरीके से किया उसको. क्या हुआ, डेटा कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, थ्योरी बनाई, टेस्ट किया, कंफर्म किया, हो गया जी खत्म. आपने सबसे पहले कलेक्शन किया डेटा का, एनालिसिस किया, थ्योरी बना दी, थ्योरी को टेस्ट किया और आपने लास्ट में कंफर्म कर दिया. लेकिन हर कोई कन्विंस नहीं था. दैट इज व्हाई एक और आइडिया आता है डिडक्टिव अप्रोच का. ऊपर हमने इंडक्टिव अप्रोच मानी, ये आ जाती है आपकी डिडक्टिव अप्रोच. डिड्यूस करो भाई. कैसे डिड्यूस करो, कि पहले कुछ मान लो उल्टा, यू नो द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी. एक लिखा गया द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी. लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी उसमें बताया गया 19 मतलब एक स्टडी की गई और उसमें बोला गया उल्टा है, थ्योरी है. थ्योरी कैसे, पहले थ्योरी मानो कि भाई थ्योरी लो, पहले कोई आइडिया लो, कोई उसको फिर एविडेंस, ठीक है, उसको आप प्रूव कर दो. यानी कि पहले हाइपोथेसिस होगी आपके पास, स्टेटमेंट होगा, उसके बाद आप उसको प्रिसाइज तरीके से, हाइपोथेसिस आपने एक ले ली कि ये हाइपोथेसिस है भाई, मैं ऐसा कहना चाहता हूं, मेरे हिसाब से तो ये होगा, उसको आपने स्टेटमेंट में एक प्रिसाइज तरीके से कन्वर्ट किया, उसको ऑब्जेक्टिफाई किया, और फाइनली आपने उससे जो है अपने प्रिडिक्शंस को दे दिया कि भाई ये मैं डिड्यूस कर सकता हूं, ये प्रिडिक्शंस है. ये भी एक तरीका निकाला गया, ये उसके बाद क्वेश्चन किया गया. जैसे न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का लॉ ऑलरेडी आपके पास है, आपने हाइपोथेसिस दी कि भाई फ्री फॉलिंग बॉडीज ऐसे गिरेंगी, मूवमेंट ऑफ बॉडीज का ये है, मोशन में होंगी तो ऐसे होंगी और इनर्शिया में होंगी तो ऐसे होंगी. क्यों होंगी, क्योंकि न्यूटन का लॉ ऐसे है, न्यूटन के लॉ की वजह से ये करके उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा, ये करके आएगा, और वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाइड है, बिल्कुल उस तरीके से आप स्टडी उसको कर सकते हो ऐसा आपने माना. तो ये उल्टा हो गया, दैट वॉज इंडक्शन, दिस इज डिडक्शन. तो ओरिजिन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है कि उसका टेस्ट और वैलिडिटी. थ्योरी को नहीं इंपॉर्टेंट माना, थ्योरी आप कुछ भी सोच लो, पर आप उसको अगर टेस्ट कर सकते हो और उसकी वैलिडिटी आप ला सकते हो, इफ यू कैन शो इट्स वैलिडिटी ऑल्सो, देन थिंग्स आर डिफरेंट. मजा आ गया ये तो. सो इट्स अ न्यू काइंड ऑफ आइडिया. लेकिन पॉपर, देयर वाज अ जेंटलमैन कॉल्ड पॉपर, कार्ल पॉपर. सो पॉपर साहब ने बोला नहीं, सारे लॉज को आप प्रूव नहीं कर सकते, ऑल कैन नॉट बी प्रूव्ड, ऑल द टाइम आप प्रूव नहीं कर सकते, कभी तो गलत होगा. You are saying, उनका कहना था, फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग ऑल स्टूडेंट स्टैंडिंग, अरे भाई स्टैंडिंग है ठीक है, लेकिन कभी तो बैठेंगे. ऑल स्वेंस आर व्हाइट कलर, लेकिन 200,000 हैं एक पूरे के पूरे उसमें सैंपल में, तो कोई तो ब्लैक भी हो सकता है. सो यू आर सेइंग कि ऑल द टाइम्स ऑल द थ्योरीज विल नॉट बी प्रूव्ड राइट बिकॉज सर्कमस्टेंसेस चेंज. सो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है, रिग्रेस कंटिन्यूअस है, रिग्रेस कंटिन्यूअस आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी है. यू मस्ट ऑलवेज ट्राई, जो भी थ्योरी आपने बनाई, जो भी थ्योरी है उसको आप इनवैलिडेट करने की कोशिश करो. यू ट्राई टू इनवैलिडेट इट,
इनवैलिडेट, यू ट्राई टू क्वेश्चन इट. आप उसको क्वेश्चन करो, आप उस पर संशय पैदा करो और आप उसको फॉल्स कर दो. दैट्स व्हाट ही सेड. यही सोशियोलॉजी कर सकती है. उनका ये मानना, उनका ये मानना है सोशियोलॉजी ऐसा करेगी तो इट इज डूइंग जस्टिस. अब ये करने के लिए क्या चाहिए हमें? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करके एक आया, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट मेथड, लैब एक्सपेरिमेंट मेथड. भाई लेबोरेटरी क्योंकि साइंस है, लाइक साइंस सोशियोलॉजी इज ऑल्सो साइंस. तो लैब की बात हुई. क्यों? क्योंकि लैब में आप प्रिसाइज तरीके से कर सकते हैं. देयर कैन बी रिपीटिशन, देयर इज प्रिसाइज, देयर इज रिपीटिशन, देयर इज यूनिफॉर्मिटी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी वहां पे आराम से हो सकता है क्योंकि कंडीशंस आपके हिसाब से हैं. कंडीशंस आर कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड कंडीशंस हैं. ओके, तो लैब जो है, लेकिन क्या है कमाल की बात है सोशियोलॉजी में, अनफिट बात हो गई. लैब इज अननेचुरल, सोशियोलॉजी तो सोसाइटी नेचुरल है, लैब अननेचुरल है. लैब कम्युनिटी नहीं है, कम्युनिटी इज नेचुरल. कम्युनिटी के अंदर डायनेमिज्म है, कम्युनिटी के अंदर सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. लैब में तो ऐसा नहीं हो रहा. इसीलिए एक और मेथोडोलॉजी की बात हुई कि भाई चलो लैब नहीं, फील्ड एक्सपेरिमेंट. सो व्हाट इज लेबोरेटरी टू साइंस, फील्ड एक्सपेरिमेंट टू सोशियोलॉजी. फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात हुई. क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोशल वर्ल्ड आ जाता है. देर इज सोशल वर्ल्ड, देर इज एलिमेंट ऑफ रियलिटी इन दैट सेंस. तो रोजेनथल, रोजेनथल एंड जैकबसन, उन्होंने इस पे काम किया. उन्होंने दिया, उन्होंने कहा, हाइपोथेसिस दी, उन्होंने एक टेस्ट भी किया. रोजेनथल और जैकबसन ने, उन्होंने क्या किया, दे हैव सीन अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने एक टेस्ट किया. बच्चों को उन्होंने पिंक कपड़े पहना दिए और गर्ल्स को उन्होंने ब्लू पहना दिए. उल्टा होता है बिकॉज हम कहते हैं पिंक, गर्ल्स को पिंक पसंद है. ऐसा करके एक बना हुआ है, कंडीशनिंग बनी हुई है. तो हुआ क्या, देन पेरेंट्स एंड एडल्ट्स दे ट्रीटेड, जो पिंक कलर बॉयज थे उन्होंने उनको पिंक देख के बोला कि भाई ये बॉयज जो है, ये गर्ल्स जो है वो मतलब वो हो रही है. पिंक को उन्होंने बॉय मान लिया और ब्लू को उन्होंने गर्ल मान लिया, जबकि ब्लू गर्ल्स थी और पिंक बॉयज थे. तो जो बॉयज के एलिमेंट हम देखते हैं कि भाई बॉयज ऐसे होने चाहिए, लड़के तो एक्टिव हैं, लड़के ज्यादा हाथ पैर हिला रहे हैं, तो वो असल में लड़कियां थी. और जो लड़के थे वो लड़कियां थी, जो लड़कियां थी वो लड़के थे. लेकिन जिन्होंने देखा, उन्होंने जो प्री कंसीव नोशन, जो प्री कंसीव आइडियाज आपके गर्ल्स और बॉयज के बारे में होते हैं, वैसे आइडियाज उन्होंने उन दोनों सैंपल्स के ऊपर डाल दिए. उससे प्रूव हो गया कि अरे देखो यार, ये तो ऐसे होता है, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं था. एक एक्टर लिया गया, वो एक्टर जो है, ही स्टैंडिंग सपोज एट रेलवे स्टेशन. वो पहले बिजनेसमैन बन के वो रास्ते पूछ रहा है, तो चार लोग उसको अच्छे से रास्ता बता रहे हैं, बढ़िया से उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं. दूसरे रोल मॉडल में वो जो है लेबरर बन गया, अब वो लेबर बन के बात कर रहा है, तो लेबरर के बात कर रहा है तो ही वॉज नॉट गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, ही वॉज नॉट गिवन ड्यू आइडियाज. अरे ये तो यार ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन है, ऑलरेडी इसके साथ वो है. तो इन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ, फील्ड एक्सपेरिमेंट से, दैट देयर इज समथिंग एल्स. एल्टन मायो का नाम आपने सुना होगा, ELTON, एल्टन मेयो. एल्टन मेयो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, आप गूगल भी करके पढ़ सकते हैं. हेथ्रॉन, HAWTHRONE, हेथ्रॉन इफेक्ट बोलते हैं उसको, HAWTHRONE, हेथ्रॉन इफेक्ट. उसमें क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, दे वॉन्टेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, सो दे वेंट ऑन टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस, लाइटिंग, मशीन, दिस एंड दैट. दे वर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन द फैक्ट्री, but the workers were aware of it, that certain science experiment is going on, because they were aware that certain thing is happening, naturally their productivity increased. Isse pata chala yaar fayda hi nahi hua aise to experiment ka. So sociology what went on to think, yeah, field experiment went on to think that one should not know, one should not become conscious, one should not be told that this is going on, then only your real thinking will come out. जब आप बता देते हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करने लग जाते हो, यू नो दैट कंडीशनिंग कम्स इन माइंड. तो ये करके पता चला. एक और चीज आई, कंपैरेटिव मेथड. इसके बाद आई बात कंपैरेटिव मेथड की, कंपैरिजन हो, कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो कंपैरेटिव क्यों, क्योंकि सोसाइटीज एंड ग्रुप्स देयर आर मेनी, दे मस्ट बी कंपेयर्ड, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड. एनालिसिस होना चाहिए, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज हैपनिंग. यहां पर लेस मोरल इश्यूज हैं, लेस इंटरवेंशन है, जैसा कि अभी हमने फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात की. देयर इज मोर इंट्रूजन, मोर मोरल आइडियाज, कोई आर्टिफिशियल भी नहीं है ये कंपैरेटिव मेथड, बट इट इज चैलेंजिंग, इट इज टफ, बड़ा बड़ा हो सकता है. सो पॉजिटिव,
सो व्हाट इन कंपैरेटिव मेथड वी आर आल्सो यूजिंग पॉजिटिव्स के जो आइडिया पॉजिटिविस्ट के आइडिया हैं जैसे डिडक्टिव मेथड हमने बात की और पॉपर का आइडिया को भी यूज किया गया. पॉपर हमने जो ऊपर बात की पॉपर्स आइडिया कि भाई ठीक है आप साइंस है हर टाइम पे लेकिन हर चीज प्रूव नहीं हो सकती दोनों आइडिया आप ले लो. आइसोलेशन ऑफ वेरिएबल पॉसिबल है आपने कुछ की आइडेंटिफाई थॉट्स आर टेकन दे आर सीन एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट कई मामलों में लेस कन्वीनियंट भी है कंपेरेटिव मेथड बहुत ही वेग हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल दो डिफरेंट सोसाइटीज कैसे डेवलप हुई लार्ज स्केल चेंजेस कैन बी स्टार्टेड. सो दिस वॉज ऑल्सो गिविंग काइंड ऑफ ए कॉन्फिडेंस टू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी फर्दर दैट थिंग्स कैन मूव आइडियाज कैन मूव. अब जैसे हमने लाइट की बात की थी लाइट जो है वो कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंपेरेटिव मेथड. भाई आई एम स्टैंडिंग एट ए रेड लाइट आई मे नॉट पुट ब्रेक्स मेरे पीछे पुलिस वाला भाग रहा है मैं तो रेड लाइट तोड़ के भाग जाऊंगा. मैं लाइट को जो मैं डेकोरेटिव लाइट मान सकता हूँ क्रिसमस लाइट मान सकता हूँ मैं लाइट्स के सिंबल मान सकता हूँ कि दिस इज अ एरिया वेयर मे बी प्रोस्टिट्यूशन इज प्रैक्टिस उसको हम रेड लाइट एरिया कहते हैं. ये शब्द ही रेड लाइट एरिया वहां से आया एक तरीके से. सो रोल ऑफ सब्जेक्टिव स्टेट एक तरीके से ये आया निकल के. तो यहाँ पे पॉजिटिविस्ट के आइडियाज का लिमिटेशन हो गया यू नो रोल ऑफ सब्जेक्टिव स्टेट. Role of subjective state of individuals. So positivists were content to discover external facts. More qualitative approach चाहिए थी इसीलिए. और जबकि qualitative approach में क्या आएगा behavior आएगा इसीलिए यहां से divergence शुरू हो जाता है quantitative और qualitative का. यहां से there is a diversion. तो Weber comes into picture. Weber ने क्या बोला Weber ने बोला भाई understanding is the key. Understanding of meaning is necessary. Understanding of meaning is very necessary because that will only help you to come up with the causal reasons. Jo causes hain, they can only be identified with the understanding of meaning. Causal phenomena. Isiliye ek aur term hum use kar sakte hain yahan pe phenomenologist. जो फिनोमेना की बात करते हैं प्रक्रिया की बात करते हैं कि कैसे है तरीका क्या है सिस्टम क्या है उसको स्टडी करेंगे. अंडरस्टैंडिंग एज एंड प्रोडक्ट कि फिनोमेनोलॉजिस्ट कहते हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट द एंड सोशियोलॉजी रिसर्च सोशियोलॉजिकल रिसर्च का एंड प्रोडक्ट वो है कि रिजल्ट पूरा निकल के है पूरे फिनोमेना को. कॉजल एक्सप्लेनेशंस की बात नहीं कर रहे कि कॉज हुआ था नहीं ये तो फिनोमेना है. तो इसीलिए क्या आ गई क्वालिटेटिव अप्रोच आ गई. पहले हम बात कर रहे थे अभी तक क्वांटिटेटिव अप्रोच की. सो मैक्स वेबर ने जैसे अभी मैंने बोला स्टडी किया उन्होंने. वेबर स्टडीड सोशल एक्शन. हम डिटेल में बाद में बात करेंगे. सोशल एक्शन की बात हुई. सोशल एक्शन यानी पॉसिबल इट इज ओनली पॉसिबल विद अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. आप इंडिविजुअलिटी में तो कर ही नहीं सकते बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल बीइंग. दैट्स व्हाट वी हैव बीन सेइंग दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. मैक्स वेबर सभी लोगों ने क्या यूज किया एक तरीके से हमने अपना सोशल वो यूज किया. मार्क्स हो गया. अगर हम कंपेरेटिव मेथड की बात करते हैं तो मार्क्स वेबर डर्कहाइम सभी ने कंपेरेटिव मेथड यूज किया. मार्क्स का फॉर एग्जांपल वी गिव ही वेंट ऑन टू स्टडी सोसाइटीज. ही वेंट ऑन टू गिव दिस थ्योरी ऑफ सोशल चेंज. तो स्टेजेस आए ना उसके अंदर अलग. डर्कहाइम ने स्टडी किया डिविजन ऑफ लेबर चेंज फ्रॉम मैकेनिकल. उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर सारा कंपेरेटिव है ये भी. डिवीजन ऑफ लेबर भी आप स्टडी नहीं कर सकते विदाउट कंपेरेटिव मेथड. उन्होंने स्टडी किया आपका ऑर्गेनिक सोलिडारिटी. हमने ये वर्ड पहले भी यूज किया था. वी विल यूज इट फर्दर. हम इस पे और एक्सप्लेनेशन लेंगे. ऑर्गेनिक सोलिडारिटी मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक सोलिडारिटी. तो कहने का मतलब है कि चीजें मूव कर रही थी. डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज आर कमिंग अप. तो कंपेरेटिव मेथड जिसकी हम बात कर रहे हैं जो इल्टन मायो के जैसे हमने उसकी बात की थी. कंपेरेटिव मेथड क्या हुआ सोसाइटी ग्रुप उसका एनालिसिस आप कर सकते हो. लेस वेरिएबल है लेस कन्वीनियंट मोर कन्वीनियंट है उस सेंस में. कई बार आप ब्रॉड एरियाज और ब्रॉड चीजों को स्टडी कर सकते हो. दैट इज व्हाट इट हैज टेकन प्लेस. थिंग्स हैव मूव्ड. इसी चक्कर में उन्होंने जो है द एग्जाम्पल दैट वी टेक ऑफ डर्कहाइम स्टडी ऑफ सुसाइड इट बिकम्स अ रोल मॉडल काइंड ऑफ थिंग बिकॉज डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मिला इसके अंदर. Study of suicide showed detailed statistical analysis. कैसे था? We will talk about it.
उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया, कंपेयर, ही इज यूजिंग अ कंपैरेटिव मेथड, सो ही इज कंपेयरिंग सोसाइटीज, ही इज कंपेयरिंग ग्रुप्स, ही इज कंपेयरिंग टाइम पीरियड, तीनों चीजें कंपेयर कर रहे हैं. सो प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, देयर आर टू ग्रुप्स. सो ही वेंट ऑन टू स्टडी द एथिकल वैल्यूज ऑफ प्रोटेस्टेंट्स, और यू कैन से प्रोटेस्टेंट्स एथिक्स वर्सेस कैपिटलिज्म. उन्होंने देखा कि उनके एथिक्स की वजह से कैपिटलिज्म, यानी उनके उनके स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में राइज हुआ, वो ज्यादा वेल्दी बने एक तरीके से. वेबर ने भी कंपेयर किया अर्ली कैपिटलिस्ट्स इन द वेस्टर्न यूरोप, वेबर आल्सो कंपेयर्ड इट. उन्होंने 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 राइज ऑफ कैपिटलिज्म इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्सेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया चाइना, ऐसे करके उन्होंने भी एक स्टडी की. डेविड मार्टिन ने स्टडी की कंपेरेटिव मेथड की, डेविड मार्टिन, उन्होंने सेकुलराइजेशन पे काम किया, यानी रिलीजन से हटके सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटीज पे उन्होंने किया डिफरेंट कंट्रीज में, हाउ दैट इज हैपनिंग. माइकल मैंस की एक स्टडी थी, ये भी एग्जांपल है, सारे कंपेरेटिव मेथड्स के एग्जांपल है. माइकल मैंस ने स्टडी किया, माइकल मैंस वेंट ऑन टू स्टडी दैट हाउ द नेटवर्क ऑफ पावर वर्क्स इन डिफरेंट कंट्रीज या टेरिटरीज, आप कह लीजिए पावर. So what is power and all that, वो तो ठीक है, every person is giving a different interpretation, but ये सारी चीजें हुई. इसीलिए आप कह सकते हैं कि social sociology के अंदर इस time पे there are lot of development, lot of things started coming up. इसीलिए social action, जो Weber ने जो word दिया social action से understand हुआ कि what is the motive, what is the meaning, what is the interpretation. क्या इंटरप्रिटेशन होगा ऑफ ए गिवन एक्ट, ऑफ ए गिवन आइडिया. जैसे वुड कटर है, अपने आपको आप वुड कटर मान लीजिए, आप वुड कट कर रहे हैं. सो द वेबर सेज दैट यू हैव टू कीप, आई हैव टू कीप माई सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ दैट वुड कटर ओवर देयर, एंड देन ही इज कटिंग द वुड, देन ओनली आई विल बी एबल टू नो व्हाट इज द रियल कॉज व्हाई ही इज कटिंग द वुड. ऐसा नहीं कि बस लकड़ी काट रहा है हो गया, अरे भाई ही इज कटिंग इट फॉर फायरवुड, ही इज कटिंग बिकॉज उसको बदला लेना है किसी से, इसीलिए वो काट के उससे तीर तलवार बनाएगा. He is cutting the wood because he thinks उसको बहुत गुस्सा आया हुआ है, nowhere else he can take out his revenge, that is why he is cutting the wood. उसको इससे equipment बनेगा, उससे business करेगा. तो ये imagining self in the position of that person, imagining self in the position of that person, I have to understand मेरे students क्या सोच रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. If I am imagining it, or you are also, I am asking you to put yourself in my shoes, then that is called Verstehen, V-E-R-S T-E-H-E-N, Verstehen, एक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, कॉन्सेप्ट दिया इमेजिनिंग सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ दैट पर्सन, जैसे वेबर ने किया प्रोटेस्टेंट, और मैं जैसे बताया स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, सोशल चेंज एंड एक्शन जर्मनी के अंदर उन्होंने स्टडी की. सो ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, उसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करते हैं. एक आपका लगा लेते हैं, मान लीजिए एक टर्म और आती है सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म. सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ये भी सोशियोलॉजी का एक हो गया इंटरैक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म. इन इंटरैक्शन तो हो रहा है, सिंबॉलिक हो रहा है, लेकिन दे आर ऑल्सो नॉट रिजेक्टिंग कॉजल रिलेशनशिप्स. जो कॉज है, यानी जो कारक है सबसे पहले किसी चीज को करने वाला, उसको ये रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं विद इन सोशियोलॉजी, बट वो ये कह रहे हैं स्टेटिस्टिक्स के अलावा भी दुनिया है. Stats जो दे रहे हैं, that is fine, but stat will not be able to give the complete insight into it. Human behavior बहुत important है. Symbolic interactionism कहता है human behavior is important है, वो internal process है. People interpret the world the way they think. तो individual की एक self image है. Individual यानी कोई भी इंसान जो है, उसकी एक self image है. Individual की self image है. उसका एक self image कैसे बनी? Kind of response he is getting, kind of response he is giving, वो एक self construct के ऊपर based है, एक self concept है वो, and that concept is different from different for everybody. यानी वो बनता है, reinforce होता है, interact होता है, it undergoes changes. जैसे भाई 10th में marks नहीं आए, भाई 10th में marks नहीं आए, कुछ नहीं हो सकता, आपने भी बोल दिया, सामने वाले भी मान दिया, बन गया एक self image, बना हुआ है जी, कुछ नहीं कर पाओगे. तो हर्बर्ट ब्लूमर ने स्टडी किया, जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये स्टडी की हर्बर्ट ब्लूमर ने कि भाई ऐसा सेल्फ इमेज बन जाता है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट होता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इट रिजेक्ट्स, ब्लूमर ने बोला इट रिजेक्ट्स
that I am rejecting causal relationship in that sense. कि भाई मैं तो नहीं मानता. उन्होंने reject किया इस idea को, because भैया industrial revolution has come, capitalism has come, nuclear family ही होंगी, इसीलिए ये reality नहीं है. उनका कहना था थोड़ा आगे तो जाओ, थोड़ा उन परिवारों के बीच में जाके तो रहो, सिस्टम को तो जाके थोड़ा समझो, तब जाके कंक्लूजन निकालना. तो इसीलिए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के हमने क्रिटिकल एंगल से भी हमने बोला कि क्या हो सकता है. फिर एक वर्ड जैसे हमने पहले बोला था फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिना. सो फिनोमिनोलॉजी इट टॉक्स अबाउट नेचर ऑफ सोशल रियलिटी, कि नेचर क्या है सोशल रियलिटी का. सोशल रियलिटी अलग है भाई, इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी. वो कहता है इंटरेक्शन के बियॉन्ड जाओ, कॉजल एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट किया, कुछ नहीं हो सकता भाई, कॉज नहीं है, नॉट पॉसिबल टू मेजर ऑब्जेक्टिवली. ह्यूमन हर चीज पे मीनिंग इम्पोज करते हैं, वो चीजों को क्लासिफाई करते हैं. बिहेवियर ऑफ जुविनाइल डिफरेंट होगा, कैसे आप बताओगे एक डेलिक्वेंट है एक नॉन डेलिक्वेंट है, यानी गड़बड़ है, एंटी सोशल एलिमेंट ज्यादा होगा कम होगा, ये आप नहीं कर सकते. बिकॉज उनका ये कहना था ऑल स्टेटिस्टिक्स आर ऑल्सो सोशल प्रोडक्ट्स, जितना भी स्टेटिस्टिक्स है, जो भी स्टेटिस्टिक्स आप यूज कर रहे हो, सोशल प्रोडक्ट्स हैं. वो सोशल प्रोडक्ट मतलब बेसिकली दे आर सोशल प्रोडक्ट्स, दे रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ दोज हु क्रिएटेड देम. जो स्टेटिस्टिक्स को बना के लेके आया है वो उसकी रियलिटी दिखा रहे हैं, रादर देन द ट्रू सेल्फ, जो चीज होनी चाहिए वो नहीं दिखा रहे. स्टेटिस्टिक्स सिर्फ वो दिखा रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं. सो गोल ऑफ सोशियोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड मीनिंग्स फ्रॉम विच सोशल रियलिटी कैन बी कंस्ट्रक्टेड. सोशल रियलिटी बननी चाहिए, वो दिखनी चाहिए, वही गोल है सोशियोलॉजी का, ना कि ये स्टैट्स के दम के ऊपर कि आपने स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस कर दी और हो गया. सो फिनोमिनोलॉजिस्ट दे से कि प्रॉब्लम है क्लासिफिकेशन की, वो यूनिवर्सल है, वो ऐसे नहीं हो सकती. ऑल द पीपल ऑल द टाइम यू कैन क्लासिफाई इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट थिंग्स. टीचर है, ब्रदर है, मेंटर है, प्रोफेसर है, पोएट है, गायक है, चोर है. सो डेटाज आर प्रोडक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऐसा इनका कहना है. डेटाज आर प्रोडक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, डेटाज आर प्रोडक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. देखो उन्होंने अब उस चीज कहां से कहां ले आए, वो उन्होंने उस चीज को ऐसे करके प्रूव कर दिया. अब हम बात कर रहे थे डर्खाइम की. सो डर्खाइम ने एक स्टडी की, स्टडी ऑफ सुइसाइड, जैसा मैंने कहा. इसको हम क्रिटिकली देखते हैं. वी विल सी की वट ही सेड एंड हाउ अदर्स रिएक्टेड टू इट. 1897 में एक बुक लिखी उन्होंने, 1897 देयर वाज अ बुक कॉल्ड सुसाइड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी. सुसाइड स्टडी इन सोशियोलॉजी. उससे पहले भी बहुत सारी स्टडीज ली जा चुकी थी. ही वॉज नॉट द फर्स्ट वन टू टेक इट, बट द क्वेश्चन अराइजेज क्यों ली उन्होंने. He wanted to showcase sociology as a rigorous and a scientific discipline. He wanted to showcase that approaches jo abhi tak li gayi hain, they are only from the psychological perspective. Psychology as a science ne bahut sari studies ki thi, but they were missing out so many elements. That's what he wanted to show. So he wanted to improve upon that. He wanted to showcase that the 19th century French society, which was undergoing so much transition, which was undergoing so much change, it has so much to reflect upon it. So, वो दिखाना चाहते थे कि दैट सोशियोलॉजी का अप्रोच जो है बाकी साइंस के अप्रोच से हायर होगा. सोशियोलॉजिकल फिनोमिना, सोशल आइडियाज उसको बेंचमार्क की तरह सेट करना चाहते थे. टिल नाउ सोशियोलॉजी वाज सीन एज एन इंडिविजुअल एक्ट. डिप्रेशन था भाई, इनसेन था आदमी, इनसेन. हम कहते हैं ना सेन एंड इनसेन, तो एक वर्ड आता है इनसेनिटी, यानी गड़बड़ हो तभी आपने कुछ किया. सुसाइड, ओ आत्महत्या, हमारे यहाँ तो शब्द लिखा गया. शरीर की तो हम मानते ही नहीं, हम तो शब्द ही हमने बनाया हिंदी में आत्महत्या. आत्म हिंदी शब्द पे जब जाएंगे तो आत्महत्या हो रहा है, हत्या नहीं हो रहा. हत्या तो हमने मारना लिखा दूसरे के लिए, और अपने लिए खुद के लिए आत्म, यानी वी हैव गॉन मच डीपर ऑलरेडी फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स संस्कृत वर्ड्स एंड कल्चर. सो साइकोलॉजिकल थ्योरीज थी, चीजें थी, बट सुसाइड रेट ही वॉन्टेड टू प्रूव दैट इट इज नॉट समथिंग पर्सनल. Suicide rate is not personal reason. He wanted to showcase that there is a social phenomena behind it. Statistics available थे already. इसीलिए उन्होंने क्या, हम क्या बताना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या use किया कायदे से, social facts use किए. Social facts he created. Or what method he is using? We have already discussed that. वो comparative method use कर रहे हैं. He is using comparative method of the same. He is taking up sociology as a rigorous discipline.
first showed, he first went on to show that suicide rates are following a universal, I mean to say, they were following a stable pattern in a particular society over a period of time. Ye nahi ki ek do kuch bhi ho raha hai. So suicide was basically a factual order. उनका उन्होंने प्रूव किया है कि ये फैक्चुअल ऑर्डर है और एक डेफिनेट है, एक परमानेंट है और उसके अंदर कुछ वेरिएबिलिटीज भी हैं। वो वेरिएबिलिटीज को उन्होंने कैसे शो किया? कंसिस्टेंट वेरिएशन से, कि भाई देखो ऐसा है तो ऐसा हो रहा है। ही वेंट ऑन टू फाइंड ए पैटर्न इन इट, वो उसको सोशल पैटर्न से लिंक कर रहे हैं, यानी डिफरेंट ग्रुप्स में विद इन द सेम सोसाइटी देयर इज अ पैटर्न। जैसे क्या? हायर सुसाइड रेट इन प्रोटेस्टेंट कंट्रीज, कैथोलिक में कम सेम सोसाइटी के हिसाब से एंड प्रोटेस्टेंट्स में ज्यादा। लोअर सुसाइड रेट अमंग मैरिड पीपल, हायर सुसाइड रेट अमंग नॉन मैरिड पीपल, हायर सुसाइड रेट अमंग मैरिड बट नॉन चिल्ड्रन। मैरिड और चाइल्डलेस ज्यादा सुसाइड हो रही है, मैरिड एंड चाइल्ड है तो कम सुसाइड हो रहे हैं। लो सुसाइड एट द टाइम ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिटिकल अपहेवल, नेपोलियन बोनापार्टे जी आते हैं, ही टेक्स ओवर फ्रांस एंड देन थिंग्स चेंजेस, सुसाइड रेट जो है उन्होंने कहा कम हो गई है। ही फाउंड कि रिलीजन और एजुकेशन का भी सुसाइड से लेना देना है। हायर एजुकेशन मोर सुसाइड, तो ये कमाल है यार, ये कैसे चीजें हैं उन्होंने आइडेंटिफाई, ही वांटेड टू शो दैट सी दीस थिंग्स हैव बीन मिस्ड आउट। रिलीजन मोर इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस, सो ज्यूज के अंदर लो सुसाइड भी है, हायर एजुकेशन भी है। So that is what he went on to find types of suicide. उन्होंने क्या किया? Types. इसलिए types आ जाती हैं। उन्होंने एक methodology devise कर दी, उन्होंने एक systematic approach दे दी। Range of social factors को वो लेकर आ गए। इस के through हम समझना चाहते हैं कि how he went on to think and write so that we can also understand, we can apply this thinking somewhere. So उन्होंने किस चीज पे suicide rate को किस चीज पे उन्होंने किया? Degree पे, degree of integration, degree of integration is the key thing here, degree of integration into social groups, it will decide suicide rate. Yani ki degree of interaction into social groups to which society is there, yani ki how much to up to what degree your behavior is regulated in society. जैसे प्रोटेस्टेंट्स लेस इंटीग्रेटेड, कैथोलिक्स मोर इंटीग्रेटेड, सिंगल थिंकिंग, डिवाइन रूप चर्च का, सारी बातें मानेंगे, एक यूनिफॉर्मिटी है, चर्च का सुप्रीम कंट्रोल, सुसाइड रेट कम। प्रोटेस्टेंट्स में भाई आप अपने फेथ के खुद ऑथर हो, आपने थोड़ा बहुत बाइबल में चेंज कर दिया, आपने चीजें अपने हिसाब से फॉलो की, सुसाइड रेट बढ़ गया। तो यानी कि उन्होंने एक टर्म क्या दिया, जैसे इगोइस्टिक, एक टर्म उन्होंने यूज किया इगोइस्टिक, एक टर्म उन्होंने यूज किया अल्टुरिस्टिक, एक टर्म यूज किया उन्होंने एनोमिक, और एक टर्म उन्होंने यूज किया फेटलिस्टिक। फेटलिस्टिक यानी कि इनसफिशिएंट इंटीग्रेशन, अगर इगोइस्टिक में हम माने, जब जब इनसफिशिएंट इंटीग्रेशन होगा, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो यानी आपका सुसाइड रेट बढ़ गया। कैथोलिक होमोजेनियस है, उनका इंटीग्रेशन थोड़ा ज्यादा है तो कम सुसाइड रेट है। अल्टुरिस्टिक में क्या होगा? एक्सेसिव इंटीग्रेशन हो जाएगा। अल्टुरिस्टिक में एक्सेसिव, जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो सती, भाई फीमेल मेल इज डाइड देन फीमेल विल आल्सो सुसाइड, अल्टुरिस्टिक हो गया, यानी कि लगा नहीं मुझे जीने का कोई वो है, मेरा जीवन उन्हीं के उससे था, क्योंकि उनका जीवन नहीं रहा इसलिए मैंने भी अपना जीवन का त्याग कर दिया। फिर आ गया आपका एनोमिक, एनोमिक में जो है आपका इनसफिशिएंट आ गया, फिर से इनसफिशिएंट इंटीग्रेशन, कैसे? इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज के अंदर एलिनेशन हो गया एक तरीके से, आप एक तरीके से फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो पाए, तो हो गया। एक हो गया आपका फेटलिस्टिक, फिर से एक्सेसिव रेगुलेशन, यानी आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, सारी चीजें आपकी सुपर जोर से ज्यादा कंट्रोल्ड है। तो उन्होंने ऐसे करके चार डिविजन बना दिए। सुसाइड रेट जो है उन्होंने इस तरीके से शो किया कि सुसाइड रेट में भी एक मेथोडोलॉजी है। ही वेंट ऑन टू शो एंड प्रूव देयर इज अ मेथोडोलॉजी इन सुसाइड रेट, देयर इज अ पैटर्न इन सोसाइटी, दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग। सो राइट अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए, राइट इंटीग्रेशन, तो फिर सुसाइड रेट कम हो जाएगा। ही इज नॉट प्रिस्क्राइबिंग, ही इज जस्ट सेइंग राइट अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन।
सो व्हाट ही यूज्ड, ही यूज्ड क्वांटिटेटिव मेथड, ही यूज्ड साइंटिफिक मेथड, ही यूज्ड कंपैरेटिव मेथड, ही यूज्ड सिस्टमेटिक अप्रोच, सो ही यूज्ड ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स साथ में, लेकिन ही ऑल्सो वेंट ऑन टू यूज अनऑब्जर्वेबल फोर्सेस. कौन सी अनऑब्जर्वेबल फोर्सेस? द फोर्सेस विच आर शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर. यानी जितनी हमने थ्योरीज अभी तक काम पॉजिटिविस्ट के हिसाब से बोली सारी यूज कर रहे थे वो. क्वांटिटेटिव यूज कर लिया उन्होंने जो है, साइंटिफिक यूज कर लिया, स्टैटिस्टिक्स यूज कर लिया, कंपैरेटिव यूज कर लिया उन्होंने, साथ साथ में अनऑब्जर्वेबल फोर्सेस को भी यूज किया ह्यूमन बिहेवियर को जो दिखाती हैं. एंड दैट इज वाई वो जो रियल कॉस्मिक फोर्सेस जिनको नाम दे सकते हो आप, रियल फोर्सेस जो भी हैं उनको उन्होंने अनआइडेंटिफाइड तरीके से यूज किया. सो आज के टर्म में व्हेन सोशियोलॉजिस्ट टुडे लुक द बियॉन्ड दे से कि डर्खाइम वाज अ रियलिस्ट. डर्खाइम वाज अ रियलिस्ट व्हेन द स्टडी ऑफ सुसाइड इज सीन बाय टुडेस सोशियोलॉजिस्ट. फॉर एग्जांपल स्टीव टेलर सेज दैट, स्टीव टेलर क्या कहते हैं, स्टीव टेलर सेज दैट डर्खाइम वाज अ रियलिस्ट. लेकिन अब इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, फुल्ली सपोर्ट भी हुआ. पॉजिटिविस्ट ने क्या कहा, मजा आ गया भाई, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सर, आपने बहुत अच्छा किया, यू आर द बेस्ट. ऐसी हेल्प वैच ने, हेल्प वैच HALBWACH हेल्प वैच, ही सेड दैट यस फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव है, इट कैन बी मॉडिफाइड लेकिन मुश्किल है. उन्होंने कहा इट इज वंडरफुल. डर्खाइम could have done better, but then he has done his best. He could have focused little less on religion. He used more ideas towards that. Gibson Martin, उन्होंने कहा नहीं, not fully comprehensive. Integration concept जो है वो ठीक से नहीं दिखाया गया. Durkheim is not able to integrate completely. तो यानी कि उससे और लर्निंग की बात आगे बढ़ने लगी. इसलिए उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया गिब्सन मार्टिन ने, स्टेटस इंटीग्रेशन. ये हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं ना, कि भाई उन्होंने बोला स्टेटस इंटीग्रेशन अगर देता डर्खाइम तो बात और अच्छी होती. चलो ठीक है, हायर मींस मोर. स्टेटस इंटीग्रेशन अगर हाई है तो इसका मतलब मोर आपका इंटीग्रेशन है सोसाइटी के अंदर. आप अच्छे से कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा. फिर अब इसी को अगर हम बात करें कि इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज क्या कहती हैं सुसाइड के बारे में, इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज क्या कहती हैं, वो कहती हैं दैट दे आर रिजेक्टिंग एक्चुअली मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ डर्खाइम्स अप्रोच. क्योंकि वर्ड ही क्या है, इंटरप्रिटेटिव. वो तो ऐसे करके सब्जेक्टिविटी की बात लेके आ रही है. दे आर नॉट गोइंग लाइक डर्खाइम, ही वॉज वेरी ऑब्जेक्टिव. सो जे डी डगलस कहते हैं that official statistics जो use किए suicide में उनकी क्या validity है, what is the validity of those official statistics जो उन्होंने use किए, क्यों माना उन्होंने कि वही होंगे, कुछ और भी तो हो सकता था, कहां डर्खाइम ने कोशिश की, क्यों believe करें हमें उसके अंदर. यानी कि official statistics में एक systematic bias आ गया है, there is a biasness in Durkheim's approach that he is taking that data but he is not questioning it. Therefore, degree of integration simply affect हो जाएगा. यानी कि आप बता नहीं पाओगे sudden death हुई क्यों हुई, उसी को suicide क्यों मानेंगे. Negotiations कहाँ है, negotiations यानी जो हुए जो subjective ideas थे वो कहाँ है, वो तो दिखते नहीं है. Systematic distortions भी कहीं वो नहीं हो रहे हैं. यानी कि आप जब distortions को reduce करोगे तब आप reliable data लेके आओगे ना. हर कोई तो नहीं बताना चाहेगा सुसाइड हुई थी. अगर आप फैमिली मेंबर से पूछोगे और अगर वो बहुत प्यारे थे तो वो मना कर देंगे. यानी कि बायस आ गया. किस चीज में बायस आ गया, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग में भी और मेथोडोलॉजी में भी. तो कहा काम तो किया लेकिन पूरा ठीक से नहीं किया. तो राइट अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन इज डिपेंडिंग अपॉन रेगुलेशन एज आई सेड. और वो आप ऑब्जेक्टिवली जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो काम नहीं होने वाला. So wrong on the part of Durkheim to consider all suicide of same type. कुछ तो होगा, कुछ तो और अलग होना चाहिए. Social meaning क्या था उसके अंदर, case study होनी चाहिए society का, जो social meaning है जो उसके अंदर, और जो subjectivity है वो कहाँ गई, उसे Durkheim जी ने क्यों नहीं देखा. He is, why he is leaving it, case studies must be done.
कहाँ है इंटरव्यू, कहाँ है नोट्स, कहाँ है डायरी, कहाँ है विजिट? आप सेल्फ की तरह क्यों नहीं देखा आपने? फेलो फीलिंग की सिंपैथी भी तो हो सकती थी, कोई रिवेंज भी तो हो सकता है, कोई गिल्टी भी तो हो सकता है. पूरी तरह से डर्कहाइम हैज नॉट गॉन इनटू डिटेल्स. सो जीन, देयर इज अ जेंटलमैन जीन बैचलर, जीन बैचलर. तो उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू मीनिंग्स. उन्होंने सुसाइड को क्लासिफाई किया, ही क्लासिफाइड एज अ क्रिटिसिज्म, एज अ क्रिटिसिज्म वी आर सेइंग. उन्होंने क्लासिफाई किया, कैसे किया? उन्होंने कहा भाई एस्केपिस्ट एक मान लो आप, चलिए एस्केपिस्ट टेंडेंसीज नहीं, एस्केपिस्ट सुसाइड हो गई. एक हो गई आपकी ऑब्लेटिव सुसाइड्स, एक हो गई आपकी एग्रेसिव सुसाइड्स, और एक हो गई आपकी ल्यूडिक, LUDIC. तो एस्केपिस्ट वाली क्या है भाई, एस्केपिस्ट मतलब कि ठीक है बच के निकलना है, चीजों को छोड़ना है. एग्रेसिव में आप बहुत एग्रेसिव हैं, क्यों? आपको जो है ब्लैकमेल कर रहा था कोई, या आपने किसी को ब्लैकमेल किया, या आपने रिवेंज के लिए या सुसाइड कर लिया, या आपने अपील करने किसी और चीज पे आपने मत्था मड़ने के लिए सुसाइड कर लिया, उसको एग्रेसिव में डाल दिया. ऑब्लेटिव यानी कि वैल्यूड बाई विक्टिम, वैल्यू बेस्ड चीज है, ऑब्लेटिव है. राजा मर गया हम भी मर जाएंगे, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, ये ऑब्लेटिव हो गया. ल्यूडिक, ल्यूडिक में यू विल गो इनटू खतरों से खेल रहे हो. ट्रेन चल रही है बॉम्बे में जी, लेकिन मैं तो साइड से लटकूंगा, मैं खंबे को भी छूंगा, 6 बार छूंगा, सेल्फी जरूर चाहिए बीच में खड़े होके, चाहे कुछ भी हो जाए मजा उसी में, आप साथ में बह गए, तो ये भी एक तरीके की सुसाइड है. चाहता नहीं चाहता, हुआ नहीं हुआ, तो एस्केपिस्ट हो गया, डिवाइन है, मुझे मोक्ष चाहिए, फलाना चाहिए. तो यानी कि इस तरह की चीजें होती गई. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिनोमेनोलॉजिस्ट ने क्वांटिटेटिव और जो दूसरे मेथड थे उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया. क्वांटिटेटिव मेथड्स को और साइंटिफिक मेथड्स को कंप्लीटली, जैसा हमने पहले भी कहा था, दे रिजेक्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है. इसलिए मैक्सवेल एटकिंसन स्टडी, एटकिंसन, मैक्सवेल एटकिंसन ने स्टडी किया. ही बिलीव्ड इन सोशल रियलिटी, कि सोशल रियलिटी आनी चाहिए. निकल के कॉन्सेप्ट ही आ गया ना, सोशल रियलिटी क्या होगी, सोशल रियलिटी कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स कोई प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर फिजिबल नहीं है फॉर ब्रिंगिंग फॉर सोशल रियलिटी. इसलिए सुसाइड्स क्या है, सुसाइड्स हैं सोशल कंस्ट्रक्ट, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है. ये ऐसे करके आप 1, 2, 3, 4 की तरह नहीं प्रूव कर सकते, सोशल कंस्ट्रक्ट है ये. इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऑल क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आर पार्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट. यानी कि आप कैसे एक डेथ को सुसाइड में कैटेगराइज करोगे, नोट, डायरी, रोड एक्सीडेंट, आग जल गई, अब फायर टेंडर वाला है, बजाते बजाते किसी को बचा रहा था, गिर गए ऊपर से नीचे, तो क्या मानोगे आप, सुसाइड है, डेथ है, बायोग्राफी है, मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है. कॉमन सेंस थ्योरीज भी इसी बीच में, अगर आप कॉमन सेंस साइंस सोशियोलॉजी में भी देर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सेंस, वी विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसकी भी एक थ्योरी आई. सुसाइड का इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि सिर्फ इवेंट के हिसाब से आप नहीं कर सकते. तो बियॉन्ड बियॉन्ड पॉजिटिविज्म एंड बियॉन्ड आप कह लीजिए फिनोमेनोलॉजी, ये भी चीजें आपको लेके आनी पड़ेंगी, ऐसा माना गया. Beyond positivism, beyond phenomenology, PP लिख दिया मैंने, और आप discover क्या करोगे, underlying facts, underlying causes क्या है जो unobservable है, इसकी बात होने लगी. तो आप नहीं कह सकते, can't tell, आप नहीं बता सकते कई suicides में, you can't say. उसके अंदर भी उन्होंने divide किया, can't tell, यानी कांट टेल में आप कहोगे अनसर्टेनिटी है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, उस हिसाब से सुसाइड हुई. एक हुआ आपने बोला आई एम डेड, एक ग्रुप को बोला, एक ग्रुप को उन्होंने कैटेगराइज किया आई एम डेड, आप उसको रोक नहीं सकते, उसको हर हाल में वो चीज करनी ही करनी है. एक में आपने कहा पर्पसिव एक्शन, वही पर्पसफुल, जैसे हमने सती या बाकी बात की, वो पर्पसफुल है, पर्पस है भाई, ये ऐसा होना ही पड़ेगा, अदर का डायरेक्टेड है ना, वो खुद का डायरेक्टेड नहीं है. और एक आपने बोला प्रॉब्लमेटिक, यानी कोई दिक्कत है. तो इन्होंने भी ऐसे करके, मतलब मैंने एक स्टडी बताई जैसे आपको, कि उन्होंने भी उसी करके उसको दोबारा उसको नया रूप देने की कोशिश की. स्टीव टेलर के टाइम तक आते आते ये सारी चीजें इस प्रकार की हो गई. पर डर्कहाइम स्टडी ऑफ सुसाइड इज अ बेंचमार्क
विच इज पेविंग अप द न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज, न्यू थिंकिंग, और उसकी वजह से ये सारी चीजें आगे बढ़ के यहां तक है। इस स्टडी के थ्रू हमने क्या समझने की कोशिश की, हाउ इट इज मूविंग फ्रॉम क्वांटिटेटिव इन द बिगनिंग टू क्वालिटेटिव टू फिनोमेनोलॉजी एंड सो ऑन। So methodology in sociology went on to open up itself to a broad horizons rather than in the beginning confining itself to by saying that it is scientific in nature only to the observable facts, it is going to beyond observable but still claiming itself to be scientific. Ab humne ek aur word use kiya tha, critical social science methodology. Critical word important hai, jaisa maine kaha pro poor, pro oppressed, pro depressed. डिप्रेस्ड का मतलब यहाँ पर मतलब प्रो मार्जिनलाइज्ड, ये क्रिटिकल हो गया, यानी ऑल अप्रोचेस विच आर क्रिटिकल ऑफ सोसाइटी सब आ जाएंगे इसके अंदर। यानी कि सोशल चेंज, सोशल चेंज को दिखाएंगे ये, दे विल शो सोशल चेंज, यानी क्रिटिक इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, बिना क्रिटिक के हो ही नहीं सकता। ये उस पर फोकस करेगा जहां पर गड़बड़ हो रही है। कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट मस्ट ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। इट डिनाइज कि ऑब्जेक्टिव स्टेटस होता है, हो ही नहीं सकता ऑब्जेक्टिव, तो वो सब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, जब भी कोई इश्यू होगा इट हैज टू बी सीन इन दैट लाइट। सो नॉलेज इज प्रोसेस, इनका मंत्र क्या है, नॉलेज जो है इट इज ए प्रोसेस, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यूज, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। लेकिन एम क्या है इसका, the aim should be to go beyond dominant values of society. Dominant values पे मत अटके रहिए, आगे जाइए, कुछ पता लगाइए। जैसे धारावी, वर्ल्ड में धारावी को हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट स्लम, भैया सब कुछ यही है, तो अपने आप में एक क्रिटिकल सोशल थ्योरी वाला एक एलिमेंट, पूरा एक अपने आप में केस स्टडी पार्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट स्टडीज आई, अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में वी विल टॉक सम फ्यू पॉइंट्स ऑन इट। सो फॉर एग्जांपल हाउसहोल्ड वर्क रियल वर्क ही नहीं है भाई, 70s से पहले मेल डोमिनेटेड आइडियाज बाय मेल, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल ही रिसर्च कर रहे हैं, मेल ही एग्जांपल उठा रहे हैं, मेल ही सैंपल ले रहे हैं, तो फीमेल सेज कि भाई ना ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट बीइंग क्रिएटेड। रियल वर्क फीमेल का काम को माने नहीं गया, वो पेड नहीं है क्योंकि वो अनपेड है। अब जाके बात आई घर के काम की भी कीमत होती है, कमल हसन जैसे, शशि थरूर जैसे कहते हैं भाई घर के, वो उसको भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। सोसाइटी के एक समाज कहता है क्या कर रहे हो भाई, हमारा समाज बिगाड़ रहे हो तुम, हमारी सोसाइटी को तुम डिस्टॉर्ट कर रहे हो। सो फेमिनिस्ट स्टडीज केम इनटू पिक्चर, फेमिनिस्ट स्टडीज स्टार्टेड यू नो मेकिंग ए प्रेजेंस सोशियोलॉजी में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेंडर 50% तो फीमेल है ही है। And not I'm saying just because of 50%, their perspective and idea maybe bring better thinking process in the society. So Karl Marx, जैसे कि अब हम बात करते हैं जबकि studies हुई, जैसे Karl Marx, Marx की बात करें तो उन्होंने study की, not feminist I'm talking in terms of comparative, जो हम social study की जो हम बात कर रहे हैं, तो Karl Marx ने किया। या फिर आप Wright Mill ने study की, Karl Marx ने stages की Wright Mills ने, he is also talking about power elites, Wright Mills talking about power elites, उन्होंने उसकी बात की, so they are talking about it, so working class की बात हुई, abstract concepts आने लगे, they are now very much part of the system, वाइडर सोशल रिलेशनशिप को वैल्यू मिलने लगी, उसके बिना कुछ हो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज उसको ओवरकम किया गया। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस क्रिटिकल थॉट एंड मटेरियल रियलिटी विच मस्ट गो बियॉन्ड एस्टैब्लिश बिलीव्स, सो मार्क्सिज्म यही तो करता है। आइडियोलॉजी ऑफ लेबर, लेबर क्लास की बात हो रही है, बट लेकिन जब आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में फ्री एंड फेयर रिलेशनशिप की बात करते हैं, देन वी हैव आल्सो टू कीप इन माइंड कि जो एम्प्लॉयर है इट ऑलरेडी उसको पावरफुल पोजीशन में, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग द स्टफ, तो ये कि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। सो स्ट्रक्चर हिस्ट्री सिस्टम सारी चीजें ये एक सोशल फिनोमेना के अंदर आ जाती है। स्ट्रक्चर आ गया आपका, प्लस हिस्ट्री आ गई, ये सारी के सारी जो है सोसाइटी के ब्रॉड प्लेटफॉर्म और एक ब्रॉड सिस्टम को क्रिएट करने का
हेल्प करती हैं. तो सोसाइटीज कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग, दे हैव अ चर्निंग गोइंग ऑन. इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है, डीकंस्ट्रक्शन. द कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी केम ऑफ डीकंस्ट्रक्शन. डीकंस्ट्रक्शन तोड़ा जाए, डीकंस्ट्रक्शन होगा, एसेंस आएगा, और उसके बाद होगा एसेंस के बाद रिकंस्ट्रक्शन. डीकंस्ट्रक्शन, एसेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन. डीकंस्ट्रक्शन मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर, यू आर टेकिंग अपार्ट डिफरेंट एलिमेंट्स. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू एसेंस, इसके थ्रू आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट शो कर रहा है, वो चेंज नहीं हुआ. एंड देन न्यू एलिमेंट्स आर कमिंग थ्रू, जो इम्बेडेड आइडियाज थे, इम्बेडेड जो अंदर थे, दे आर कमिंग अप थ्रू रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि अनलॉक हुआ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एज आई जस्ट सेड अबाउट कैपिटलिज्म, कि कॉमोडिटी, कॉमोडिटी इज एन एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटलिज्म, दैट कॉमोडिटी किस एंगल से उसका वैल्यू है, एंड देन थ्रू डीकंस्ट्रक्शन यू आर आइडेंटिफाइंग किस डायरेक्शन में वो जा रही है, जा सकती है, एंड देन यू आर रिलेटिंग इट विद सोसाइटी. यानी हाउस होल्ड वर्क है, इन हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो डीकंस्ट्रक्शन, ये नहीं है, ये तो एक प्रिज्यूम नोशन है. You are bringing out the key element out of it, and then again you are relating and linking it with. So critical social research theoretical activity नहीं हुई, इसका मतलब critical social research theoretical activity नहीं हुई, ये हुई आपकी practical. This is practical reflective activity, अगर हम word use करें, practical reflective activity, that इसको एक और word भी हम बोलते हैं, praxis. It is called praxis. एक word है praxis. So methods हो गए, तो focus, focus critical social research में क्या हुआ, purpose क्या हुआ, purpose important नहीं है, the purpose is on change, focus is on change, purpose है, मतलब जो आपका key goal है that is important, method is not important, method तो कुछ भी हो सकता है, questionnaire, interview, case study, there is another term, we will talk about it, ethnography, ये भी हमारे course का बहुत important element है, ethnography. And its study we will also talk about it. So आप ये कह सकते हैं कि many ideas are being juggled and you know they are being bombarded at the same time. लेकिन क्या ये objectivity की तरफ लेके जाएगा, अगर हम critical social research की भी बात करें, क्योंकि आप completely social elements को you cannot divide into oppressed and oppressing. ये इसका criticism हो गया, भाई जो दबा हुआ है वो क्यों दबा हुआ है. जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, सर्टेन रिलीजन इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ इट्स बिलीफ्स. आप मान लीजिए आप उसको तो नहीं कर सकते, उसका कोई एलिमेंट है दैट इज रॉन्ग. से फॉर एग्जांपल टेक ट्रिपल तलाक. नो, ट्रिपल तलाक में वुमेन इज बीइंग ऑपरेस्ड. एक तो वुमेन हो गई, ऊपर से ऑपरेस्ड हो गई, ऊपर से माइनॉरिटी रिलीजन हो गया, इसीलिए वो लेके आया. ये भी एक सोशियोलॉजिकल फिनोमेना है, वो लेके आए तो आपने रिलीजन को तो कुछ नहीं बोला, रिलीजन में कमी नहीं निकाली आपने, लेकिन वुमेन ऑपरेस्ड थी. Oppressor, religion भी है, male भी है. That is what you have to go through. So, idea or concept, कौन oppressor है, कौन oppressing है, it can differ according to the needs and circumstances and interest. There cannot be a single set of ideas and values. Single set नहीं हो सकती कि भाई यही होगा, यही dominant, यही होगा और ऐसे ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता. ऐसा आप हमेशा कह नहीं सकते. It has to be, it is open to challenge. लेकिन research कैसी होनी चाहिए, systematic होनी चाहिए, careful होनी चाहिए. सिस्टमैटिक, केयरफुल, केयरफुल मतलब कुछ और वर्ड सोच लो आप. प्राइमरी डेटा आना चाहिए उसके अंदर, प्राइमरी डेटा मस्ट कम देयर. रिकॉर्डिंग, पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड कीजिए. रिकंस्ट्रक्टिव एनालिसिस होना चाहिए, जो अभी हमने बोला रिकंस्ट्रक्टिव. पहले डीकंस्ट्रक्ट करो, उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करो. पैटर्न को आप क्वेश्चन करो, पावर रिलेशनशिप को लेके आओ. यू नो, डायलॉग बेस्ड डेटा होना चाहिए. डायलॉग यानी कि आपने बात की, आपने चीजों को समझा, आपने उसको अनबायस तरीके से इकट्ठा किया. यू नो, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा एक तरीके से कहना चाहिए, डेटा को डेमोक्रेटाइज करो. आप कन्फाइंड एलिमेंट्स तक ओनली मत जाओ. सिस्टम के जो आइडियाज ऑलरेडी हैं उनको आप फाइंडिंग्स को डिस्कस करो. फाइंडिंग्स जो भी आएंगी सिस्टम की फाइंडिंग्स, उनको डिस्कस करना चाहिए. प्रीकंसीव्ड आइडियाज को छोड़ देना चाहिए. फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करो, थ्योरी को डेवलप करो. थ्योरी डेवलप होगी, इससे रिसर्च बेस्ड आइडियाज होंगे, साइंटिफिक थिंकिंग होगी, और जो भी बायसनेस है किसी चीज की, बायस्ड रिलेशनशिप जो भी है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पावर
एंड ऑल्सो अदर डोमिनेंट आइडियोलॉजीज, पेट्रियार्कल थॉट हो गया जैसे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक इट, उसको लेके आओ, उसको क्वेश्चन करो, पीपल विल एक्सेप्ट. पीपल विल एक्सेप्ट मीन्स दे विल एक्सपेक्ट, दे विल एक्सेप्ट वट एवर द रिजल्ट इज कमिंग आउट. सो रियल, दैट विल बी द सोशल रियलिटी. सोशल रियलिटी उसे ही माना जाएगा. यू नो इट विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. It will exist independently. जैसे मान लीजिए टूटा हुआ ग्लास है, हम टूटा हुआ शीशे को देखते ही कहते हैं इस पर पैर नहीं रखोगे, भाई पैर खून निकल जाएगा. लेकिन अगर आप ये बिलीफ आप थ्रू प्रूव कर देते हो, सो गिलास जो है शीशे का गिलास तेज नहीं है, शीशे का गिलास जो है आपको धार नहीं है, वो काटेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन आप पैर रखते हो काट देता है वो. तो डोमिनेंट जो थिंकिंग है, जो ऑलरेडी बिलीफ है, वो तो यही है ना रियलिटी के साथ साथ कि शीशे पर पैर रखते ही इट विल बी ऑलरेडी, इट विल बी यू नो it will be bleeding. That is a social, that is not only just a belief, but it is a reality also. Because people ne aisa experience kiya. To log jo bhi experience karenge, wohi social reality mani jayegi. Usko ek sink ki tarah, you have to bring the research and ideas in sync with it, and also to justify it. But if it is not happening like that, to aap nahi keh sakte ki it is going to make a change. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं. तो ये क्रिटिकल टर्म्स में हम ऐसा कह सकते हैं. वी वर टॉकिंग अबाउट फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी, तो हमने फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी में जैसे हमने बात की, इट इज ओनली बाय 1970s कि उसका वो आया अटैक मेल स्ट्रीम के ऊपर. इसीलिए मेल स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम रिसर्च नहीं कहा गया, मेल स्ट्रीम रिसर्च, क्योंकि सब कुछ तो मेल आया था, जैसे मैंने कहा बाय द मेल, फॉर द मेल, टू द मेल. तो एन ऑकली, she did the pioneering research. And Oakley 1974, उन्होंने housework पे ऊपर उन्होंने काम किया. She was the pioneer. So interviews हुए, research हुई. Feminist research methods का सबसे important क्या है? Interviews. Technique है ये. Objective तरीके से करते हैं, detached तरीके से करते हैं, scientific तरीके से करते हैं, non-intrusive तरीके से करते हैं, help करते हैं. और जो थी, जो एक तरीके से मान लीजिए बन क्या गया, क्या सिस्टम बन गया, फेमिनिस्ट बन गया, फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी मींस थ्योरी ऑफ नॉलेज. अपने आप में ये एक वो बन गया, स्ट्रीम बन गया, फेमिनिज्म जैसे आ गया. कि इसमें क्या हुआ, वुमेन एक्सपीरियंसेस, थ्योरीज डिराइव्ड फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. वुमेन जैसा व्हाट वुमेन कैन एक्सपीरियंस, नोबडी एल्स कैन एक्सपीरियंस. व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, नोबडी एल्स हैव गॉन थ्रू. Same thing if experienced by male, it will be different by female. So Stanley and Weiss, उन्होंने क्या बोला? Stanley and Weiss, they said that fine, all knowledge necessarily results from the conditions of its production, and it is contextually related. जो भी context, जिस context में जो हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, और वो origin में जो भी हुआ होगा, उसके reflection उस ideas में आ जाएंगे. यानी सारी की सारी नॉलेज, सारा का सारा जो ये अभी हमने बात की फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी की, वो जो है इट रिजल्ट फ्रॉम द वुमेन एक्सपीरियंस, इट रिजल्ट फ्रॉम देयर ओन कंडीशंस, इट रिजल्ट फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, और वो उसका रिफ्लेक्शन फीमेल आइडियाज में दिखाई देगा ही देगा. लेकिन क्रिटिसिज्म भी हो सकता है कि भाई आप अगर आप बायस्ड हो, आप बायस्ड हो जाओगे कि जैसे नेचुरल है वुमेन के लिए, तो अब आप कहेंगे कि कितनों से पूछेंगे नेचुरल है वुमेन के लिए कि हाउस होल्ड वर्क करना, उसमें से बहुत सारे कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है. मेल के लिए डोमिनेंट होला में नेचुरल है, ऐसा भी बहुत सारे कह देंगे कि नहीं भाई नहीं है. तो मतलब पॉइंट है, यहां पर भी एक तरीके का सब्जेक्टिविटी है. देयर इज अ काइंड ऑफ अ सब्जेक्टिविटी, देयर इज अ काइंड ऑफ अ क्रिटिसिज्म. तो इसमें भी ऑप्रेस्ड और ऑप्रेशन को स्टडी करने वाली बात है. वुमेन माइट नॉट बी ऑलवेज ऑप्रेस्ड, जैसे अब रेप लॉज एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, दे आर बीइंग मिसयूज्ड आल्सो. फीमेल है भाई, अपना फायदा उठाते हैं, ऐसा भी है समाज में. बहुत सारे हम केसेस डेली पढ़ते हैं. तो दिस इज व्हाट इज द क्रिटिसिज्म. फिर अगर हम बात करें पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी, जो हमारी लास्ट बात है, पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी. अब पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी क्या है, इसमें मॉडर्न टाइम तक हम पहुंच गए. डेविड हार्वे, जेंटलमैन डेविड हार्वे, उन्होंने बातें की इसके अंदर. डेविड हार्वे ने उन्होंने कहा कि भाई चेंज इन सोसाइटी, इट इज रिफ्लेक्टेड, नेचर ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. सो कन्वेंशनल मेथड यूज करो, सेकेंडरी सोर्सेज यूज करो, लेकिन पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग नेचर ऑफ नॉलेज. इट इज रिफ्लेक्टिंग, इट इज हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी. पोस्ट मॉडर्न यानी कि और आगे आ गए हम, मतलब
मॉडर्न में आप कह सकते हो कि ट्रूथ कैन बी डिस्कवर्ड बाय यूज ऑफ टेक्निक्स, पोस्ट मॉडर्न कहता है कोई वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ट्रू कुछ भी अनट्रू हो सकता है, पोस्ट मॉडर्न ऐसा कह रहा है। यानी कि पोस्ट मॉडर्न एक तरीके से मेटा, जैसे फेसबुक का मेटा है, मेटा नैरेटिव्स, यानी ग्लोबल नैरेटिव्स हो गए हैं, स्टोरीज पूरी ब्रॉड प्लेटफॉर्म पे आ गई है, स्टोरीज पूरे वर्ल्ड की हो गई है, जबकि मॉडर्न कहता है कि ट्रूथ कैन बी डिस्कवर्ड बाय यूज ऑफ करेक्ट टेक्निक्स, डेडिकेटेड इंडक्टिव क्रिटिकल सोशल एलिमेंट्स, ऐसे मॉडर्न टेक्निक्स सारी सारी यूज करो, एटलीस्ट पॉसिबल टू रूल आउट, कुछ चीजें रूल आउट कर दो कुछ नहीं। लेकिन पोस्ट मॉडर्न इट इज सेइंग नहीं, इट रिजेक्ट्स ऑल साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, इट रिजेक्ट्स ऑल साइंटिफिक मेथड्स, इट सेज एसेंशियली इट इज स्टोरी टेलिंग। बट हमेशा तो आप स्टोरी टेलिंग को वैलिडिटी नहीं कर सकते, हमेशा आप स्टोरी टेलिंग को कैसे कह देंगे कि वेदर इट विल बी साइंटिफिकली प्रूव्ड और नॉट। तो एक ब्रॉड कैनवास हो गया इसका, इसीलिए एक टर्म और आया, पोस्ट मॉडर्न इथनोग्राफी, पोस्ट मॉडर्न इथनोग्राफी, यानी कि वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप अटैक करते हो, कलेक्ट ओन डेटा, आप अपना डेटा खुद इकट्ठा कीजिए, ओके, कलेक्ट ओन डेटा, आप खुद अपना डेटा इकट्ठा कीजिए, वट एवर हैज बीन सेड एंड प्रूव टिल नाउ इट मस्ट बी क्वेश्चन्ड। जैसे देर इज अ केस स्टडी ऑफ जैक्स दारिदा, वेरी फेमस नेम, जैक दारिदा। सो नॉलेज ही सेज कैन नॉट एवरली रिप्रेजेंट ट्रूली एनीथिंग, नॉलेज रिप्रेजेंट नहीं कर सकती भाई कोई भी चीज ट्रू, क्यों? ऑब्जेक्टिव रियलिटी नॉलेज से नहीं आ सकती, क्योंकि नॉलेज खुद सेल्फ कंटेन्ड है। कोई भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के अंदर नॉलेज होगा, लैंग्वेज कैन नॉट एवर ट्रूली रिप्रेजेंट, लैंग्वेज जो है, नॉलेज नहीं कहना चाहिए मुझे, लैंग्वेज कैन नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। वाई? क्योंकि लैंग्वेज इज सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम, वर्ड जो आप डिफाइन कर रहे हो वो भी तो किसी वर्ड की वजह से हो रहे हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं निकल के आएगा उससे। सो ही इज अगेन क्वेश्चनिंग, सो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न इथनोग्राफी, जब हम इथनोग्राफी स्टडीज अभी हम डिटेल में देखेंगे, देन वी विल फाइंड दैट थिंग्स हैव चेंज्ड, आइडियाज आर चेंजिंग, इट इज गोइंग बियॉन्ड द थिंकिंग, इट इज गोइंग बियॉन्ड द आइडियाज, और एक पूरा सिस्टमिक अप्रोच है, उस सिस्टमिक अप्रोच के अंदर सोशियोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हुए हैं, एंड दोज डेवलपमेंट्स दे आर टेकिंग अस टू अ न्यू व्यू फॉरवर्ड, बिगनिंग फ्रॉम पॉजिटिविस्ट्स, वहां से शुरू हुए, उसके बाद उसका क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बाद नए नए डायमेंशंस निकल कर आए। एम आई ऑडिबल? हेलो आंचल, ऐसा बीच में हुआ होगा, एक आ रहा है ना, आवाज आ रही है ना सब? यस सर। अब क्या समझ में नहीं आया, एक एक सीक्वेंस समझ में आया? यस सर। सबसे मुश्किल क्या लगा, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल समझ ना आई हो? कि एक पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच है ये, हमने सुसाइड को भी देखा, फिर हमने देखा कि हाउ दर्खाइम्स जो सुसाइड जो उन्होंने स्टडी की, उस स्टडी के ऊपर कुछ लोगों ने उसको डायरेक्टली मान लिया, कुछ ने बोला नहीं नहीं पूरे एलिमेंट्स नहीं लिए हैं, सम मोर आइडिया शुड बी देयर, उनके भी हमने नाम देख लिए और हमने बेसिकली उसको देख लिया। सो वी हैव, व्हाट वी हैव टेकन ए जर्नी हाउ सोशियोलॉजी मेथोडोलॉजी बिगनिंग फ्रॉम क्वांटिटेटिव आइडियाज टू क्वालिटेटिव टू इंटरप्रिटेटिव सिम्बॉलिक इंटरप्रिटेशन एंड देन गोइंग थ्रू पोस्ट मॉडर्न, जिसको हम अभी कहते हैं कि भाई और ब्रॉड हो गया पोस्ट मॉडर्न, तो और फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी भी क्या कहती है ये भी हमने देखा। अब बेसिकली मेथोडोलॉजी के अंदर इंटरव्यू सर्वे जो टेक्निकल पार्ट है वो भी हम पढ़ लेंगे कि ये सर्वे होता है, ये इंटरव्यू होता है, ये एक टाइप होता है, वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन असली चीज ये है, वो तो टेक्निकल पार्ट हो गया, वो तो रिसर्च में सब जगह है ही है भैया, टूल ले लो, वेरिएबल ले लो, ये वो सब वो है आपका, लेकिन आप उसको सोशियोलॉजी में कैसे अप्लाई करोगे? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंडियन सोसाइटी करके आएगा, तो आपको खुद ही कुछ एक बनाना आना चाहिए, अपने गांव का बना दिया, एक हरियाणा का बना दिया, राजस्थान का बन गया, कुछ भी लगा लो, whatever it is, there is no need to go into कोई ऐसा कि जबरदस्ती कोई, you no need to take into any big detail, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए कि अगर पॉजिटिविस्ट हूं मैं तो भाई ये वाला ऑब्जर्वेबल है, बिल्कुल यही आ सकता है इसमें, और तो कुछ आएगा ही नहीं, तो यू नो दैट मीन्स फुलफिलिंग यूर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, और कुछ नहीं है। सोशल एक्शन जैसे टर्म हमने यूज किया, वो हम दोबारा भी यूज करेंगे, अभी हम जाएंगे थिंकर से, जब हम कूदेंगे पकड़ पकड़ के, हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पहले दिन कहा था, वी विल बी ब्रिंगिंग एवरीथिंग एट वन प्लेस बाय गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, रादर देन टेकिंग यू इनटू थ्योरेटिकल थिंग, वी आर गोइंग बाय द आइडिया कि हम चीजों को कैसे लेके चलें। अब नहीं समझ में आया हो तो बताइए, क्योंकि इसमें ऐसा वो नहीं है कुछ भी,
सबसे इंपॉर्टेंट है सारी बड़ी पिक्चर को एक साथ देखना। अगर आप सिर्फ सुसाइड स्टडी ऑफ सुसाइड को अगर आप अकेले पढ़ोगे तो आपको कहानी समझ नहीं आएगी कि पीछे क्या हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है। पढ़ना वो थोड़ा ना इंपॉर्टेंट है, भाई मर गए, लेकिन वो बता रहा है भाई ऐसे मर गए। एक कह रहा है भाई मर गए तो ठीक है, लेकिन यार तूने डायरी डायरी नहीं देखी, तूने क्वेश्चन नहीं पूछे। अब आप रिलेटिव से पूछोगे तो हो सकता है बहुत बार नहीं भी बताएंगे, और अगर अनजान आदमी तो आप बोलेंगे हाँ कर लिया होगा सुसाइड। तो ऐसी जो छोटी छोटी सब्जेक्टिविटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं आ सकती आप। दैट कैन ओनली कम व्हेन यू सी थ्रू कंप्लीटली। दो बार सुन लो इसको, ऐसे बैठ के सुन रहे हो, सोने से पहले लगा दो जी कान में अगर ज्यादा हुआ है तो, नहीं तो घूमते घूमते सुन लो। जरूरी नहीं है बैठ के ही सुनना, जरूरी है माइंड में विजुलाइज कीजिए और सुनिए, और उसके बाद जैसे मैंने बोला आपको ईमेल मिल जाएगा उस पर लिखना शुरू करो, कुछ ना कुछ हाथ से बना के डालो और धीरे धीरे लेवल उठता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा 10 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, फिर एक दिन ऐसा आएगा 1 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे, फिर एक बार ऐसा आएगा कि ऐसे ही जाके पेपर लिख दोगे और स्कोर भी आ जाएगा। सोचना पड़ेगा तुम्हें कि ऐसा होता है तब होगा, और तुम सोचोगे ही नहीं तो नहीं होगा। यही बोला है डर्खाइम ने भी, सबने यही बोला है। देखो पहले वाले काम करते गए, दूसरे सोचते चले गए, और फेमिनिस्ट तो फिर मैंने बताया ही है कि फेमिनिस्ट कैसे महान होते हैं। वो तो आ गए, उन्होंने बोला हम कहाँ हैं, हैं भाई बाई मेल फॉर मेल टू मेल अंडर मेल व्हाट अबाउट अस। एक पूरी स्ट्रीम निकल के आई, जगह बनाई उन्होंने, बना रहे हैं, अभी भी हो रहा है। और बताइए और कोई डाउट? कुछ तो बोला करो यार, तुम लोग बोलना नहीं शुरू करोगे, मतलब मैं इतना बोलूंगा फिर भी तुम नहीं बोलोगे यार, ये तो इनजस्टिस हो रहा है मेरे साथ। ऐसे तो कोई डाउट नहीं है, बाकी पढ़ने के बाद ही आता है, अभी तो सुन हाँ। के लगता तो समझ में आई है। अच्छी बात है, हाँ नहीं नहीं सुन के लगना चाहिए, समझ में ही आना चाहिए, रटना नहीं है, समझ लो सिर्फ। कोई ऐसी चीज ही नहीं बताई जाएगी, सिविल सर्विसेज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहीं और है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। यही खतरनाक बात है इस एग्जाम की, बाय ट्रेनिंग एंड बाय स्किल्स। अगर आप अपने आप को कर सकते हो इम्प्रूव अंडर थ्रू प्रोसेस तो ही एग्जाम निकलता है। आउटसाइड नहीं है इस एग्जाम में, इनसाइड है, इसीलिए सारी दुनिया पढ़ती है, लेकिन पेपर सबका नहीं निकलता। सबका क्या मतलब, कुछ का ही निकलता है। तो इसीलिए अच्छी बात है आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनो, सुनते चलो, अपने दिमाग की स्पीड को मेरी स्पीड से मैच करो। जैसे ही आप ध्यान देना बंद करोगे तो आपको समझ आना बंद हो जाएगा। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है सोशियोलॉजिस्ट की तरह। सो जो मेरा वर्क मेथड है उसका ये सबसे इंटीग्रल पार्ट है। आप ध्यान नहीं दोगे नहीं समझ में आएगा, पूरा नहीं सुनोगे एकाग्रता से तब भी समझ में नहीं आएगा, और आज तो क्या हो सकता है 4 साल बाद समझ में आए। तो इसीलिए कोई और सुनेगा ऐसे ही बाई चांस सुन लिया किसी ने, तो दैट्स वेरी गुड इफ समवन कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि हम ऐसे कर ही नहीं रहे, हम तो कुछ और कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वी आर प्रमोटिंग, वी आर फॉलोइंग द मेथड ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के लिए प्रेजेंस होनी माइंड की, मेंटल स्टेट की बहुत जरूरी है। उसमें भाषा का नहीं, उसमें मन और आपकी आत्मा का रोल है, और साथ में आपके दिमाग का। कोई डाउट तो बताइए, कोई शब्द, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, व्हेन वी आर थ्रू विद 10-15-20 लेक्चर, जैसे मैंने बोला आई विल स्टार्ट आस्किंग यू फॉर 5-5 मिनट्स, किसी कोई भी हम पहले से डिसाइड कर लेंगे, और एक उसमें से एक स्टूडेंट 2-4 मिनट के लिए बोलेगा और अपने बात बताएगा। अभी तो देखो आपने लाइफ में कभी ऐसे पढ़ा ही नहीं है, एज फार एज आई कैन मेक आउट फ्रॉम ऑल ऑफ यू योर क्वालिफिकेशंस एंड द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट यू हैव गॉट इन योर ग्रेजुएशन और इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। ट्रेनिंग शब्द सुन के आप अंदर से कूद रहे होगे, ट्रेनिंग ये क्या होती है, हमने तो कभी की ही नहीं। लेकिन कायदे से जब तक आपकी सिस्टमेटिक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक आप सिविल सर्विसेज में जो बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैं उनको आप टक्कर नहीं दे सकते। जो बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स होते हैं उनके स्किल्स ज्यादा होते हैं, चाहे वो बीए करके आए हो, वो बीए वाले भी एमबीबीएस एमडी और बीटेक आईआईटी सबको पीछे कर देता है। दैट इज व्हाई प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है। प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस गिव यू हाउ टू लिव, जिंदगी कैसे जी जाती है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में ये सिखाया जाता है। उनका वर्क कल्चर होता है, एक शब्द होता है वर्क कल्चर। तो वर्क कल्चर सीखना बहुत जरूरी है आपको। जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए बड़ी उम्र के हो जाओ तभी सीखोगे, अभी से ही अपने आप को बच्चा मानना बंद कीजिए। जैसा मैंने पहले दिन कहा था, अपने आप को फ्यूचर ऑफिसर की तरह ट्रीट कीजिए, तो थोड़ी देर में तो सांस फूल जाएगी, थोड़ी देर में हो सकता है पसीना आ जाए, कपड़े उतार के फेंकोगे,
फिर 2-4 दिन में, 15-20 दिन में, महीने भर में हो सकता है आप नॉर्मल बिहेव करने लगो। एक और मैं आपको सोशल फैक्ट बता देता हूँ सिविल सर्विस प्रिपरेशन का। यदि आपको, यदि आप लेक्चर के बाद या लेक्चर से पहले आपके दिमाग मन में तन में कहीं कपकपी नहीं उठती है एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, एग्जाम कभी भी नहीं निकलेगा। ये मैं एक सोशल फैक्ट बता रहा हूँ, खुद ही अपने ऊपर अप्लाई कर लेना। दूसरा सोशल फैक्ट, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन अगर अंदर से एक आवाज आती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तो समझ नहीं आ रहा लेकिन अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो एक दिन तूफान बन के जरूर बाहर आएगा। ये भी एक सोशल फैक्ट है। और ध्यान रखना ये एग्जाम कंसिस्टेंसी का एग्जाम है, सोशियोलॉजी तो सिर्फ इसका एक छोटा सा एक एलिमेंट है। बिकॉज आई हैंडल, मेरे पास तो आई हैंडल डिफरेंट ऑप्शनल्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एवरीथिंग फ्रॉम हेवन टू अर्थ। मैं बैठ के पॉलिश ही करता हूँ बस स्टूडेंट्स को, और कुछ नहीं करता, यही काम है। तो इसीलिए जागो, खुश होकर करो। सामाजिक आर्थिक लिमिटेशन हो सकते हैं लेकिन वो आपको खत्म नहीं कर सकते, लिमिटेशन हो सकते हैं, उनको तोड़िए, उनसे आगे बढ़िए। तो इसीलिए अच्छी बात है, आपको क्या समझ आया एक एक वर्ड बोल दीजिए बस सब लोग। अब सरस्वती और वहां से शुरू करते हैं, विजया के वहां से एक एक दो दो वर्ड बोलिए। सरस्वती जी, सर मैंने ना बीच में से क्लास स्टार्ट करी थी तो। कोई बात नहीं, बीच में से बता दो यार, उसमें क्या है, बाद में सुन लेना पूरी। समझ आया बीच में से आके या नहीं आया? सर समझ तो आया पर बोल नहीं पाऊंगी। हैं? बोल नहीं पाऊंगी? चलो मैं इंतजार करूंगा जब से आप बोलना शुरू करोगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप सुनना ध्यान से, आप दोबारा सुन लेना, दो बार सुनो, तीन बार सुनो, 80% कमांड में आ जाएगा। इसमें से कीवर्ड नोट कर लो और उसको हिंदी में लिख लो साइड में, बात खत्म, आपका काम हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं? एक ऐसे भी लिखा है आपने, एक ऐसे लिखा है, वंडरफुल। तो ईमेल देखता हूँ मैं, आज मेरे को मिल जाएगा शायद, या आपको भी टेलीग्राम ग्रुप पे उसका लिंक डाल दूंगा मैं, ईमेल का उसमें डाल देना अगर मेरे पास आ गया तो। ठीक है ना? हाँ, डोंट वरी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने लिखा है तो। और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऑडियो डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ना ऑडियो डाल दूंगा, आप उसको सुन लेना, जिस जिसके नाम से होगा ना। हाँ जी सर, हम ऐसा कुछ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 रख देंगे अपना नाम भी, तुम भी अपने नंबरिंग कर लेना, नाम की जगह ना ऐसे कर दो 1 2 3 4 5, तो मैं बस वहीं पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दूंगा। जिसका नाम ए से है वो 1 लिख लो, अल्फाबेटिकली कर लो, क्योंकि सबके नाम अलग अलग है, AIKSV। अरे AIKSV विकास हो गया, तो VIKAS गजब हो गया भाई, ये तो VIKAS, ये तो मेरा नाम का वो हो गया, देख लो मैंने एक सेकंड में पकड़ लिया। तो लिखिए, और कल फिर हम क्या करेंगे, एक तो मैं एक PDF होगा, उस PDF को पढ़वाऊंगा साथ साथ में, वो इसका छोटा रूप होगा, सेम नहीं होगा, लेकिन कभी भी जो मैं बोर्ड पे करूंगा और जो मैं PDF दूंगा वो सेम नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। PDF अलग है, ये अलग है, सब स्टैंडर्ड सोर्स से है, क्योंकि इसकी हिंदी नहीं है, मतलब हिंदी है ही नहीं, जो मैं PDF जैसे मैं दूंगा उसकी हिंदी नहीं हो सकती, मतलब हिंदी में है ही नहीं वो, तो मैं चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा मिले आप लोगों को। और ये जो है जितना ये हम कर रहे हैं ये हम, हाँ जी सरस्वती बोलिए। सर मुझे हिंदी में बुक्स बता दो फिर। हिंदी में बुक यार आप पहले ढूंढो अच्छी सी 2-3, और फिर आप मुझे बताओ, जब तक मैं भी आपको बताऊंगा, आपके लेवल के हिसाब से देखेंगे ना, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है इंटरनेशनल टेक्स्ट। क्या जीरो लेवल से स्टार्ट करना मेरे लिए? हाँ जीरो लेवल तो आप NCERT पकड़ लो पहले। सर NCERT तो मैंने ऑलमोस्ट पढ़ ली है। नहीं ऑलमोस्ट पढ़ ली हो, सारी दुनिया पढ़ती है, पढ़नी नहीं है उसको, पीना है। ऑब्लेटिव है, यानी कि जैसे जैसे मान लो सती था, यार मैंने एग्जांपल दिया ना, ऑब्लेटिव का मतलब जैसे आप मान लो सती भी छोड़ो, अभी सरस्वती बात करता हूँ, जैसे ऑब्लेटिव का मतलब हो गया, जैसे मान लो आप रहते हो फ्रंटियर जोन में, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे रहते हो आप, और देश को बचाना है, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि जिसमें कुछ ऐसे
बन जाते हैं, जिसके कारण जो है मतलब चलो ये भी एग्जांपल छोड़ो, आप सियाचिन में हो और अचानक से 15 दिन तक कोई खपत ही नहीं आई, खाना खाना आया ना पीना आया ना पानी आया, तो कायदे से तो आप जो है देश के लिए अपनी जान दे दोगे। आप ये कैसे प्रूफ करोगे कि वो सुसाइड थी, कि जान दी, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो ऑब्लेटिव सुसाइड का अर्थ यही होता है जहां पर कारण इतना बड़ा हो, जैसे ये जो अपनी जौहर होता है, जैसे पद्मावती में जो जौहर हुआ था, तो जान देना नहीं माना गया ना, बल्कि उसका तो हमने वो किया, उसको तो हमने इतिहास में उसको ऊंचा दर्जा दे दिया, जबकि कायदे से उन्होंने जान दी थी, तो वो ऑब्लेटिव हो गया वो। और ल्यूटिक जो हमने वर्ड याद किया था भाई, जैसे मैंने बोला, जैसे आपका नाम है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है कायदे से, लेकिन मान लो आपका नाम है रहमत अली खान और आप रोज यूट्यूब और टिकटॉक पे डालते हो कुछ कुछ, आप डालते हो अजीब अजीब से खेल करके, दीवार पे खड़े होकर आप नाचते हो, आप शीशे पे नाच के दिखाते हो, आप जो है बॉम्बे की लोकल से हाथ पकड़ के ऐसे बाहर चलते हो और खंभों को हाथ मारते हुए चलते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है खंभा थोड़ा और नजदीक आ गया तो आपके थोबड़े को उसने लग गया और थोबड़ा उड़ा दिया, तो खतरनाक खेल खेलना, कुछ ऐसे काम करना जिसमें जान देने का खतरा है। मना किया है कि इस सड़क से आगे मत जाइए, डोंट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, क्योंकि कार आगे ले जाओगे तो सड़क टूटी हुई है, हर कोई नहीं चला सकता, लेकिन आप जरूर ले जाओगे, आपको थ्रिल आता है उसमें। तो ये एग्जांपल ल्यूटिक का हो गया, ठीक है। तो सरस्वती जी, पहले आप 11th और 12th की जो एनसीईआरटी जो आप बोल रहे हैं आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए, उसके आप अपने नोट्स बना दो हिंदी में, उसको ऐसा कर दो कि वो एकदम चटनी बन जाए, उसकी चटनी बना दो एकदम शब्दों की और उसको खत्म कर दो। जैक्स दारिदा कहता है, जैक दारिदा कह रहा है कि भाई लैंग्वेज है, आप कहते हो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसका ये कहना है पोस्ट मॉडर्न टाइम में, जैसे मैं जो भाषा बोल रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि इस भाषा के पीछे भी एक भाषा निकल के आई है, देयर इज अ लैंग्वेज बिहाइंड अ लैंग्वेज, बिकॉज आई एम यूजिंग सर्टेन वर्ड, दैट वर्ड हैज अ मीनिंग, बट दैट मीनिंग हैज कम अप थ्रू अ लैंग्वेज, बात की बात हो रही है यार और कुछ बात नहीं है। जैक दारिदा कह रहा है हाउ यू कैन से इट इज ऑब्जेक्टिव, नहीं हो सकता ऐसा, ये सब्जेक्टिविटी है, ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। आप उसको जाके दोबारा नेट पे चेक करना, एक उसको विकिपीडिया में जाके उसके बस उसके की चीज पढ़ो क्या कहा है उसने, तो आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। हमने तो फिर भी इतना ले लिया, हम रिपीट नहीं करेंगे चीजों को, हम लेवल को उठाते जाएंगे और हम कनेक्ट करते जाएंगे। और किसी को कुछ कहना है और बताइए, बोलो जी बोलो। कोमल जी, इथनोग्राफी करेंगे अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी तो मैंने सिर्फ वर्ड फेंके हैं, सारे कैसे क्लियर हो जाएंगे जिसमें लोग 10-10 लेक्चर लेते हैं और फिर भी आदमी लास्ट में सोचता है पहले भी इतना ही पता था बाद में इतना पता है, तो यहां ऐसा नहीं होगा, समझे? तो ये चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हें अपने आप को आई एम कीपिंग एट योर प्लेस, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं मैं उसी लेवल से चीज को करता हूं। सो व्हेन आई विल फाइंड दैट यू हैव ग्रोन अप, यू हैव बिकम वेरी मैच्योर एंड डिटेल्ड, देन वी विल यूज डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ एंड थिंग्स, बट द प्रोसेस विल रिमेन सेम, सो दैट इज व्हाई डोंट वरी। सोशल एक्शन, वेब, मार्क्स, सब कुछ आएगा, अभी तो थिंकर्स की छुआ ही नहीं है अभी तो हमने, और इसके बाद आपको कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। And mind it, this is our only 4th or 5th lecture only. इतने में तो लोग enlightenment ही कर रहे होते हैं, उसी में बस enlightenment, industrial revolution, enlightenment यही हो रहा होता है। ये generally, we are not introducing in a general manner, we are introducing things in the way sociology must be read. Basically, masters and even PhD level हम लेके चल रहे हैं। How a person of doctorate in PhD will think from examination perspective हम ये कर रहे हैं। Why we are using examination word? Because we are doing it, we are squeezing it fast. हम उतनी स्पीड से उसको कर रहे हैं कि examination में इतना चाहिए। Examination में कभी suicide direct नहीं आएगी। उसके आसपास की चीज पूछेगा 150 word में। Suicide किसको पूछना है भाई? वो तो internet पे available है। वो तो आपकी thinking पूछेगा, जैसे आप positivist and its critique। अब देखो मैंने कहां तक खींच दिया critique को। ये तो आपकी किस्मत है ना, ये तो आप बताओगे कि एग्जाम में आप 150-200 वर्ड के अंदर पोस्ट मॉडर्निस्ट और फेमिनिस्ट तक लाके उसको छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते, आपकी सांस कहाँ टूटती है। क्रिटिक क्या होता है सर? क्रिटिक का मतलब होता है मैडम, जैसे आपने बोला कि मैंने ऑनलाइन क्लास ली, भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, जैसे मर्जी बैठ जाओ, आराम से रजाई में बैठो, आराम से, ठीक है, अपना कुछ बोलना नहीं पड़ता भाई, हम तो अपने घर में, हमारा कौन क्या उखाड़ देगा। अब इसका क्रिटिक क्या है?
क्रिटिक ये है कि ऑनलाइन में जो विजिबल फायदा है या जो विजिबल नुकसान है आप उसके बियॉन्ड चले जाते हैं, उसको क्रिटिक कहते हैं। यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रिटिक ही है पूरा का पूरा। वो ये एग्जामिनेशन रेशनल थिंकिंग का एग्जाम है कि मैं मैक्सिमम फायदा किसी चीज से कैसे उठाऊं, मतलब मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो उसको क्रिटिक कहते हैं। क्रिटिक का अर्थ होता है जैसे जैसे बनाना, सर्दियों में केला खाना चाहिए, इसके आपने बता दिए कि भाई 10 नुकसान है, तो क्रिटिक क्या होगा कि क्यों खाना चाहिए। जो चीज है उसकी आप उल्टी बात करते हो लेकिन आप फिर भी उसको रेशनल और जस्टिफाई करते हो, दैट विल बी कमिंग अंडर क्रिटिक। बिना क्रिटिक के सिविल सर्विसेज नहीं निकल सकता। अगर आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में क्रिटिकल एलिमेंट्स नहीं है तो सिविल सर्विसेज नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। क्रिटिकल एलिमेंट्स का मतलब कितने समय में आप कितनी चीज करते हो, पानी पीने से लेकर सोने से लेकर खाना खाने से लेकर आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से, आपके एटीट्यूड में वो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं कि नहीं है तो पेपर निकलेगा, नहीं तो आप कितने ही कुछ भी करते रहो, कितने ही कुछ करते रहो, नहीं होने वाला। तो क्रिटिकल अप्रोच है हमारी, ये मेरा आपसे कहना है और ये ही एटीट्यूड है, क्योंकि आपका मोटिवेशन अपने आप से आना चाहिए तब आपका पेपर निकलेगा। अब आप बैठे रहो ऐसे बुगले की तरह मेरे सामने एकदम, और फिर आप बिल्कुल भी चेंज ना लेके आए अपने आप में, बिल्कुल आप हिम्मत ना दिखाओ, तो वो हो गया नॉन क्रिटिकल एटीट्यूड, नॉर्मेटिव बिहेवियर हो गया वो। तो नॉर्मेटिव बिहेवियर से पेपर नहीं निकलता। बिहेवियर में इंडक्टिव अप्रोच नहीं चाहिए। यूपीएस अगर आप बात करो सोशियोलॉजी के वर्ड में तो इसके अंदर क्रिटिकल सोशल मेथड है ये। यूपीएससी एग्जामिनेशन इज क्रिटिकल सोशल मेथड, कह रहा है ना क्रिटिकल मेथड की, जो ट्रांसफॉर्म करना है सोसाइटी को और जो गड़बड़ है बस उसी को लेंस में लेके आओ, वो ये कह रहा है। तो वैसे यूपीएससी है, सिलेबस इतना बड़ा इसलिए दे दिया कि कर ले बेटा कैसे याद करेगा, और सिलेबस में से कुछ आएगा भी नहीं, और फिर भी लास्ट में सिलेबस में से ही आएगा। है नहीं है, नहीं है, है यही है खेल। इसी में आधे लोग परेशान हो जाएंगे, पसीना आ जाएगा, छोड़ देंगे। जो नहीं छोड़ेगा, जो लगा रहेगा वो बन जाएगा, बनने के बाद वो न्यू नॉर्मल हो जाएगा, वही लाइफ होगी उसकी, वही स्टाइल होगा उसकी, वैसे लोगों में उठेगा बैठेगा, सबको सबको बात करेगा। सरस्वती जी समझ आया? यस सर। हाँ, तो अब जैसे ही आपको मेल वेल जब सब मिलेगा तो आपकी कोशिश होगी कि जो भी हम करते हैं उसको आपने समराइज कर दिया, अपनी लर्निंग को समराइज कर दिया और वहां डाल दिया एक ऑफिस की तरह। सर एक ग्रुप बना दो ना। यार मैं तो बना सकता हूँ लेकिन जो मुझे मतलब बोला गया कि पहले आप करो, देखते हैं, डोंट वरी। हाँ बोलो हिंदू। सर ऐसे ब्रॉडकास्ट की तरह कर लो ना, मतलब आप सबको भेज सकते हो लेकिन हम पर्सनलाइज नहीं भेजेंगे, हम सिर्फ आपको ही भेजेंगे। ठीक है, मैं तो मुझे पर्सनलाइज से भी कोई वो नहीं है, बट आई गॉट योर पॉइंट, बट आई एम हियर ऑन on a protocol, this is the protocol over here, so I am going by the protocol, नहीं तो मैं तो सब करता हूँ, मैं तो, हमें तो कुमार है, हमें तो पॉटरी पॉलिश करनी है, मुझे तो लोग चाहिए जो लोग पेपर निकाले ढंग से काम करें, बाकी सब तो मजाक है। तो डोंट वरी, बी पेशेंट, गो स्टेप बाई स्टेप, लेट सी, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द जर्नी, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, देर इज नो शॉर्टकट टू इट, यू विल बिकम रोल मॉडल नॉट इन द फैमिली बट इन द होल सोसाइटी, ऐसा सोच के करो। एज है आप लोगों को सबके पास, एज है, अपॉर्चुनिटी है, रिसोर्सेस है, सब कुछ है आपके पास, तो थोड़ा शुरू करो, पेशेंस रखो, पहले आप उन धागों को पकड़ो जो धागे में आपको पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, नॉट ओनली इन सोशियोलॉजी बट इन एवरी सब्जेक्ट, तब जाके कुछ होगा। और बताइए, और इंग्लिश, मैं इंग्लिश हिंदी के अगेंस्ट नहीं हूं, बट देन ट्राई टू बिकम मोर पॉलिश्ड विद टाइम। हिंदी माध्यम बहुत अच्छा है, हमें एग्जाम में हिंदी मानसिकता नहीं चाहिए। मानसिकता का अर्थ है कि हम अपने आप को उतना वो नहीं मान सकते साधारण। इसका मतलब ये नहीं कि दोज हु आर हैविंग इंग्लिश दे आर हैविंग बेटर कमांड एनीबडी कैन हैव, बट देन एग्जामिनेशन हैज बिकम रियली टफ, इवन सीसेट हैज बिकम वेरी टफ, दैट इज व्हाई इट इज प्रो स्किल्ड पीपल, एंटी स्किल हो गया, एंटी नॉन स्किल हो गया कायदे से। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं, इसी को मैं आगे बढ़ा दूंगा और एक दो पीडीएफ भी कराऊंगा कल, और ये मुझे समझाना था पूरे, उसमें मैंने एक स्ट्रक्चर से समझा दिया ताकि आपका पूरा एक ओवरव्यू आ गया मेथोडोलॉजी का, जिसमें हमने पूरे के पूरे थिंकर्स को और टाइप्स को हमने देख लिया। ये नाम भी आपको याद रहेंगे, इतने में ही आधा काम हो जाएगा, बाकी मैंने जैसे बोला है
I'll keep on giving you articles on the regular basis. Daily बहुत कुछ ऐसा आता है, दोबारा कभी देख नहीं पाएंगे. ये नहीं कि जब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, we are talking about democracy, तभी डेमोक्रेसी की बात होगी. वो तो सिर्फ एक एलिमेंट्स हैं, they are only elements. आपको जागरूक तो अभी भी रहना, जैसा मैंने कहा था, एक हिंदी का अखबार पढ़िए, एक अंग्रेजी का अखबार पढ़िए, सोशल फैक्ट्स निकालिए, जैसा मैंने कहा, सोशल फैक्ट्स. सो आई एम डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग. छोटा मोटा रटना, छोटा मोटा ये सब करना आपका काम है, एंड आई एम श्योर आप कर लोगे. नहीं करोगे तो वो भी सिखाया जाएगा. सिखा सब दूंगा, सीखने वाले बनो. ओके, तो किसी को और कुछ कहना है तो बताइए, नहीं तो सबको नमस्कार. विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो. ओके, यू कैन शो योर, हाँ, थैंक यू वेरी मच. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू ब्रिज बालाजी, आप जिसके साथ भी बैठे हुए हैं, है कि नहीं है, चले गए सर, यहीं पे है. समझ आया आपको? जी सर. आप भी जान लगाओ, आप इनसे ज्यादा मैच्योर है कई चीजों में. जी, am I right or wrong? Right सर. हाँ बिल्कुल, कमजोर नहीं मानना है, नहीं. जान लगा दो, अभी लगाओगे तो होगा. हिम्मत, मेहनत, सोच, कॉन्फिडेंस सब चाहिए. कॉन्फिडेंस कभी मोटिवेशन लेक्चर सुनने से नहीं आती. यूट्यूब पे दुनिया भर के हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जमाना यूट्यूब से पहले भी था. उस समय लोग कोई यूट्यूब के लेक्चर सुन के मोटिवेट नहीं होते थे. तो रियलिस्टिक, रियल रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए. ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं. थैंक यू वेरी मच. ये मैं अपलोड कर दूंगा.